चेक कर लो बेटा आवाज आ रही है तो एक बार पीपीओपी जीपी पुराने पापी घोर पापी और पापी ये लिख दो चैट में जल्दी जल्दी फास्ट हम्म पहले देखो आवाज आएगी फिर हम दिखाई देंगे ठीक है पहले आवाज आई है अब फिर दिखाई दे रहे हैं तो एक बार जरा चैट में लिख दो ठीक है करें स्टार्ट जल्दी जल्दी फास्ट हाँ जल्दी जल्दी प्लांट किंगडम टॉपिक लिया हमने बेटा इसमें हम लगभग क्वेश्चंस के साथ पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे सिर्फ एक रफ कॉपी या रफ रजिस्टर टाइप के ए फोर शीट अपने पास रख लो एनसीईआरटी आपकी टेबल पे होनी चाहिए टाइम लगा लो कि हाँ हम डेढ़ दो घंटे के आसपास पढ़ेंगे उससे ज्यादा नहीं जाएंगे कोशिश करेंगे कम टाइम में पूरा चैप्टर कंप्लीट करें और एक तरीके का पूरा रिविजन भी हो जाएगा तो जो बच्चे रिवाइज करने के पर्पज से आए हैं वो कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कल करा सकता हूं क्योंकि परसों आपका मॉर्फोलॉजी लगा हुआ है तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे कराता चला जाऊंगा ठीक है हाँ भाई चैट में बता दो जल्दी से क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या मैं आपको पूरा देख रहा हूं हाँ सर हरी स्लाइड लगा के आए हैं क्योंकि प्लांट किंगडम पढ़ाना है ठीक है हाँ ना? सही है वर्कशीट बेटा आज इवनिंग में दोनों दे दूंगा और उसके बाद से कल से रेगुलर रहेगी ठीक है एमडी सर कहाँ है मेरे साथ थोड़ी है अभी आवाज आ रही है चले जल्दी से हाँ ड्रॉपर बैच के लिए आप में से जो भी पूछ रहे हैं हमने ऐप पर उसको लाइव तो कर दिया है पर हम लोग उसको स्टार्ट तो तभी करेंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा तो आप में से आपको पता है ड्रॉपर बैच में लगभग टीचर्स कौन से हैं मैं हूं एमडी सर तो है ही ठीक है उसके अलावा केमिस्ट्री का भी आपको आइडिया है फिजिक्स में हम और भी लोगों को ला रहे हैं साथ में तो फिजिक्स में और टीम ज्यादा स्ट्रांग करेंगे ठीक है पर आपको काफी कुछ आइडिया है और हम लोग एग्जाम के बाद ही स्टार्ट कर रहे होंगे एग्जाम मतलब सात मई के बाद ही स्टार्ट करेंगे तो बैच आपका हमने आ, मतलब ड्रॉपर का बैच ऐप पे अवेलेबल हो करा दिया है आपको ठीक है हाँ क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा मतलब उसमें स्पैमिंग कर रहे थे हर जगह ड्रॉपर 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 पर हम लोग सोच रहे थे पहले एग्जाम हो जाए नहीं तो डाइवर्ट हो गए ठीक है हाँ हाँ बेटा आईफोन और लैपटॉप में भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं ट्राई करेंगे कि एग्जाम जब तक नीट का खत्म हो तब तक ये फैसिलिटी ले आए वेब वर्जन जो आप कह रहे हो टेस्ट सीरीज बेटा हम लोग सोलह तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं आज क्या है तेरा है ना सोलह तारीख से टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है टेस्ट सीरीज पेड होगी नहीं फ्री होगी हाँ टेस्ट सीरीज फ्री होगी ठीक है और एक स्पेशल ट्राएगा टेस्ट सीरीज में जो मैं आपको अनाउंस करके प्रॉपर बताऊंगा कि क्या लग रहेगा टेस्ट सीरीज में ठीक है स्टार्ट करें बेटा देख जितना हो पाता उससे ज्यादा एफर्ट करने की कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसा नहीं है जैसे कल से हमने डाउट लॉन्च किया है तो बहुत सारे डाउट्स बता रहे हैं पर उसमें बहुत सारे इरेलीवेंट भी आ रहे हैं बच्चे टिश्यू पूछ रहे हैं बच्चे सेल पूछ रहे हैं बच्चे पूरे पूरे चैप्टर का नाम लेके पूछ रहे हैं तो वो उस चक्कर में कुछ बच्चों के डाउट रह जा रहे हैं हम टीम और इंक्रीज कर रहे हैं ताकि आपके लगभग सारे डाउट्स हो जाए पर थोड़ा वेट करा करो हम लोग करा देंगे बेटा डाउट्स ठीक है ड्रॉपर की डेट बेटा लगभग हम लोग सात को पेपर होगा तो तेरह चौदह तारीख से नेक्स्ट ईयर के लिए स्टार्ट करेंगे और आप ये चीज ध्यान रखो ना अगले साल मई में होगा पेपर इस साल सात मई को है तो उसके बाद वाला सात मई मतलब मई के फर्स्ट वीक में होगा तो इस बार तो टाइम ज्यादा मिलेगा और इस बार तो कम मिला ना मैं नौ या दस महीने के आसपास मिला आपको ठीक है वर्कशीट भाई वर्कशीट के लिए मैं जरा कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं वर्कशीट मैं कल बना पाया था मतलब अभी जो है आज की जो वर्कशीट है और एक कल की वर्कशीट पेंडिंग है वो दोनों आज इवनिंग में रात तक दे दूंगा उसके बाद से नेक्स्ट डे से आपकी डेली इवनिंग आठ बजे तक वर्कशीट आ जाए करेगी आपको मेरे साथ सिर्फ वर्कशीट बनानी है कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में सारे डाल देता हूं अब टेस्ट सीरीज ऐप पर आ जाएगी बेटा लो वॉइस नहीं है वॉइस ठीक है एक बार चैट में बता दो हाँ ठीक है बेटा स्पैमर वगैरह कुछ नहीं होता जो स्पैम कर भी रहा होगा बेचारा पैसे के लिए तो कर रहा है क्या कर सकते हैं ठीक है है हाँ ना हाँ अब मैं इसका बिल थोड़ी दिखाऊंगा फोन का कि मैंने पहले ही खरीद लिया था है हाँ ना थोड़े कि पहले कुछ कमाते ही नहीं थे यार ठीक है हर चीज के बिल नहीं दिखा सकते बाकी तुम समझदार हो ठीक है अब हर चीज़ का ठेका किसी एक कि ही आदमी ने रखा होगा तो हम क्या ही बोल सकते हैं चलो पढ़ाई करेंगे बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को ठीक है हर बात साबित नहीं करेंगे यार पढ़ा के ही साबित करेंगे और कोई तरीका नहीं है आज भी सबसे ज्यादा एफर्ट मैं ही करता हूं मुझे पता है इसमें कोई कहने की बात नहीं है और मैं, मैं मैं ये जानता हूं ठीक है तो इसके लिए मुझे किसी को मतलब आ, साबित नहीं करना है ना मैंने पहले किया था ना अब करूंगा ठीक है क्लियर है ठीक है हमें तब भी बच्चों से ही प्यार मिला था अब भी बच्चों से ही मिलता है और कोई ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए ठीक है चलते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप प्लांट किंगडम पढ़ो तो प्लांट किंगडम के बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप हमेशा ध्यान रखो उसी पे हम बात करेंगे बेटा हाँ उसी पे बात करेंगे ठीक है क्लियर है हाँ सही है सही है बेटा बायोलॉजिकल कराऊंगा मैं ठीक है हाँ बायोलॉजिकल कराऊंगा ठीक है ध्यान से सुन सबसे पहले मैं जरा तेरे से ये पूछता हूं कि प्लांट किंगडम का तुम्हें कुछ आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपने से काफी सारे बच्चे ट्वेल्थ के होंगे और काफी सारे बच्चे ड्रॉपर के होंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे वो चाहेंगे कि सर प्लांट किंगडम कम टाइम में रिवाइज कर दो तो पूरी पूरी, पूरी बात अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से प्लांट किंगडम का क्वेश्चन आता है ठीक है आगे चलते हैं बेटा जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर लेते हैं ध्यान से सुनो प्लांट किंगडम कैसा आएगा पहले एक जरा फोकस करो कि कैसा टॉपिक आएगा

हमने एक एग्जाम्पल याद किए हमने कॉन्सेप्ट जाना जब दोनों को ऐड किया तो मैंने अप्लाई किया क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे प्लांट किंगडम के ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या यह बात समझ में आ रही है जल्दी बताओ बेटा क्या ये बात समझ में आ रही है हाँ यह चीज समझ में आ रही है इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स की बहुत ज्यादा रोल है वो रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हो गया मॉर्फोलॉजी हो गया ये याद क्यों नहीं होते क्योंकि आप एग्जाम्पल याद नहीं करते तो सभी बच्चे सबसे पहले मेरे साथ दो से तीन मिनट सारे एग्जाम्पल याद करेंगे सर कैसे दो से तीन मिनट में लिखने लग जाओ जल्दी जल जल्दी से तो सबसे पहले हम एलगी के एग्जाम्पल याद करेंगे एलगी में सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लोरेला याद करोगे क्लोरेला दूसरा एग्जाम्पल है कलमाइडो अब यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर यार एग्जाम्पल छोड़ दो बाकी हम कर लेंगे बिना एग्जाम्पल के चैप्टर नहीं बनने का अब तो जो तुम में से जो बच्चे अभी याद नहीं कर पाए क्लास खत्म होते ही 10 से 15 मिनट में ये सारे याद कॉन्सेप्ट में सारे अप्लाई करवा दूंगा आज कॉन्सेप्ट मैं अप्लाई करवा दूंगा तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल याद करने क्लास खत्म होने के बाद इसका मतलब ये है कि उतना टाइम मैं छोड़ दूंगा क्लास में तुम्हारे को कि याद करो आगे आ जाओ वॉलवॉक्स ठीक है क्लेडोफोरा स्पाइरोगैरा कारा ये किसके एग्जाम्पल है ग्रीन एलगी के ये किसके एग्जाम्पल है बेटा ग्रीन एलगी के ठीक है ये किसके एग्जाम्पल है ग्रीन के तो हमारे पास आ गया क्लोरेला क्लोरेलास वॉलवॉक्स क्लाइडोफोरा स्पाइरो यूलोथ्रिक्स कारा हो गया ठीक है हाँ अब आ जाओ जरा ब्राउन एलगी में छह एग्जाम्पल्स हैं फ्यूकस लेरिया एक्टोकार्पै सार्गेसम डिक्ट हो रहा है जल्दी से बताओ ब्राउन एल्गी में कितने एग्जाम्पल है फ्यूकस लेमिनेरिया एक्टोकार्पस एक्टोकार्पसारिक्टोटा रेड एल्गी में चार हैं जिलीडियम ग्रेसिलेरिया पॉलीसाइफोनिया ये एल्गी के एग्जाम्पल हो गए ब्रायोफाइट्स में लिवर वर्ट में हमारे पास मार्केशिया है सर रिक्सिया करना है नहीं पॉलीट्राइकम फिनेरिया फिनेरियानम ये किसके एग्जाम्पल है मॉस के अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है बेटा ये जीनस दे रखे हैं ये सारे क्या दे रखे हैं जीनस दे रखे टेरिडोफाइट में क्या है टेरिस ड्राइफ टेरिस एडियंटम अजोला साल्विनिया इक्विसिटम लाइकोपोडियम स्लेजिनेला सर ब्राउन एलगी और इसके सबसे मुश्किल हां हाँ, साइलोटम क्या कर पाओगे एग्जांपल्स जल्दी से याद कर लो जिम्नोस्पर्म में गिंको सिकोइया पाइनस साइकस सेड्रस ये एनसीआरटी में सारे और कॉमन एग्जाम्पल एनजीओस के नीम हो गया पीपल हो गया पी प्लांट हो गया और इसके अलावा चाइना रोज हो गया और ब्रिंजल हो गया ये सब किसके example? के जल्दी किसकेग्जाम्पल एनजीओस पर बेटा आप बोल रहे हो हिंदी में वर्कशीट दो पॉसिबल है आप बताओ मेरे लिए बच्चे मैं खुद बनाता हूं उस वर्कशीट को कितना पॉसिबल होगा ईमानदारी से सोच मान लो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब नेक्स्ट ईयर हम चीजें चला रहे होंगे तो मैं हिंदी मीडियम के लिए कुछ मटेरियल खुद डेवलप करूंगा खुद से खुद से ठीक है क्लियर है एक मिनट देना बेटा चेक करो आवाज आ रही है एक बार चेक करो एक बार आवाज ठीक है हाँ बेटा सही है सही है ठीक है हाँ स्टार्ट करें चलिए आ जाइए फटाफट से आगे आ जाओ बेटा याद हो गया जल्दी बताओ याद हो गया सबको कैसे याद होगा लिखकर याद होगा एक मिनट ले लो जल्दी से याद करो चैप्टर की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी करो जल्दी करो याद कर रहे हैं बेटा एग्जाम्पल बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एग्जाम्पल के निमोनिक्स मत बनाया करो खासकर प्लांट किंगडम मॉर्फोलॉजी के क्योंकि एग्जाम में गलत कराओगे आप इसके निमोनिक्स बना लो पर जरूरत नहीं होती याद कर लो जल्दी से मत किया करो बेटा शॉक ट्रिक इसमें और मोलफोलॉजी में तो मत किया करो सब जगह जरूरत नहीं होती चले आगे चलिए चलते हैं फटाफट से चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को पहला टॉपिक ले लेते हैं सुन लो पहले ध्यान से मैं क्या बताता हूं आपको हमने क्या किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे वहां पर क्या बताया गया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास प्लांट और नाम की दो किंगडम किंगडम थी ठीक है टू क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो था मेरे पास सेलवॉल वो बेसिस क्या था थालवॉल था टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद हमारे पास फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें हमारे पास क्या क्या था ध्यान देंगे बेटा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आई जिसमें हमारे पास क्या क्या था प्लांट था ध्यान दो

फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट प्रोटिस्टा ये ग्रुप थे प्लांटे पांच ग्रुप है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट इसका सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्लमाइडोमोनास किस किंगडम में होता है हमारे पास वो प्लांटे में है कि प्रोटिस्टा में है क्लोमाइडोमोनास सिंगल सेल की एलगी है अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन उसे प्रोटिस्टा में रखा जाएगा याद हो गया किंगडम क्लासिफिकेशन उसे प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। पर हम उसको पढ़ने के लिए एल्गी में पढ़ते हैं। सर, ये क्या हमें आगे करना है? नहीं टू किंगी में दिया हुआ है, है? ठीक किसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एनसीआरटी ने कहा है कि विद इन विद इन एनजीओ स्पर्म मतलब विद इन फ्लॉरिंग प्लांट अगर मैं कोई और क्लासिफिकेशन पढ़ता हूं उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब क्या हुआ आपने टू किंगडम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिया उसके बाद क्या हुआ था सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि एंजियोस्पर्म में जो भी ग्रुप है जो भी प्लांट्स प्रेजेंट है उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया उन्हें हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं अब अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सबसे पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम सबसे पहला सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम ये किस पर बेस्ड है एनसीआरटी लिखती है है आर्टिफिशियल सिस्टम का मतलब समझो मैं आपसे कहूं कि बैट बैट उड़ता है, इंसेक्ट भी उड़ता है बर्ड भी उड़ता है क्या वो सिमिलर है नहीं बैट मैमल है बर्ड जो है बर्ड है और इंसेक्ट अलग चीज है तो पॉइंट ये है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम था जो एनजीओ स्पर्म में आगे क्लासिफिकेशन के लिए था वो किस पर बेस्ड था वो बेस्ड था किस पर ग्रॉस मॉर्फोलॉजी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर बेस था ठीक है मतलब कि वो साइज पर कलर पर मतलब बाहर वाले स्ट्रक्चर पे। दूसरा उसमें क्या था बेटा वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दी गई थी रिप्रोडक्टिव को क्या दी थी इक्वल वेटेज दी थी उससे क्या होगा अगर इक्वल वेटेज देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए किसको ज्यादा देनी चाहिए रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ज्यादा वेटेज देनी चाहिए क्योंकि वो बदलते नहीं है आसानी से लेकिन इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दी गई थी व्हाट इज आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सिस्टम 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 वो क्लासिफिकेशन का होता है जिसमें हम कुछ ही फीचर के आधार पर क्लासिफिकेशन कर देते हैं ये कुछ ही फीचर कलर हो गया साइज हो गया ऐसे फीचर होते हैं ये किसका इसका एग्जाम्पल क्या है इसका क्या एग्जाम्पल है लीनियस ने लीनियस ने क्या दिया था एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर या नंबर पे बात की थी तो स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम ने दिया उसके हिसाब से उसने किसको क्लासिफाई किया को तो मेरा पॉइंट ये है आर्टिफिशियल सिस्टम क्या था बेटा हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी उसके अंदर एनजियोस्पर्म की जो क्लासिफिकेशन है उनके अंदर जो क्लासिफिकेशन की गई है उन्हें सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं पहला सिस्टम होता है आर्टिफिशियल सिस्टम जिनमें बहुत कम फीचर्स के थ्रू या बाहरी फीचर के थ्रू एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के थ्रू क्लासिफिकेशन की जाती है इससे क्या होता है अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म साथ आ जाते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दी जाती है जबकि नहीं दी जानी चाहिए ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया इसमें मेरे पास किसने काम किया है लीनियस ने दिया इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम पर उन्होंने बात की अब आता है वट इज नेचुरल सिस्टम नेचुरल सिस्टम क्या है बेटा मैं अभी चैट नहीं देख रहा देखूंगा नेचुरल सिस्टम क्या है सर नेचुरल सिस्टम क्या है सुनो ध्यान से क्या होता है जब हम एक फीचर की जगह बहुत सारे फीचर लेते हैं जैसे मॉर्फोलॉजी के अलावा एनाटॉमी ले ले एम्ब्रियोलॉजी ले, ले ले प्लांट के अंदर केमिकल जो प्रेजेंट है प्लांट की बायोकेमिस्ट्री ले ले सेल का स्ट्रक्चर ले ले तो जब हम क्या करें मेनी फीचर ले लें काफी सारे फीचर ले ले तो उसमें मेनी फीचर में क्या आ जाएगा एम्ब्रियोलॉजी ले लें ठीक है एम्ब्रियोलॉजी ले ले फिजियोलॉजी ले ले ठीक है और क्या ले ले एनाटॉमी ले ले और क्या ले ले सेल का स्ट्रक्चर ले ले तो जो अब बनेगा अब जो बनेगा वो सिस्टम कैसा बनेगा नेचुरल सिस्टम क्योंकि इसमें क्या होगा ओनली ओनली कौन से साथ आएंगे ओनली रिलेटेड कम टूगेदर ओनली रिलेटेड साथ आ जाएंगे और ये इस पर किसने काम किया है बेटा एंड हुकर ने किसने काम किया है बेंथम एंड हुकर ने तो आपने ये समझा है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एंजियोस्पर्म के अंदर जो क्लासिफिकेशन पड़ती है उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें मेरे पास एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड करता है उसका एग्जाम्पल एक लीनियस का स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम है इसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को सेम वेटेज दी गई थी जो सही नहीं है नेचुरल सिस्टम जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है और इसमें क्या होगा रिलेटेड साथ आ जाते हैं इसका एक एग्जांपल है बेंथम एंड हुकर ने साइंटिस्ट ने कुछ क्लासिफिकेशन दी थी इसके बाद हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ना फाइलो का मतलब होता है एवोल्यूशनरी बेस्ड एवोल्यूशनरी बेस्ड मतलब क्या हुआ कि जैसे इस ग्रुप में जिन दो ऑर्गेनिज्म को रख रहा हूं इनका कॉमन एनसिस्टर है तो एवोल्यूशनरी बेस्ड है ये तो इसका मतलब क्या है कि टू ऑर्गेनिज्म जिनको साथ रखा गया है है ना उनके कॉमन एनसिस्टर है उनके क्या है कॉमन एनसिस्टर तो कहीं ना कहीं एक ऐसी क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशन पर बेस्ड है उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहते हैं नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम फाइलोजेनेटिक का मतलब है कि जो दो ऑर्गेनिज्म जिन्हें साथ रखा गया है उनका क्या सेम है उनका कॉमन एनसिस्टर याद हो रहा है दो ऑर्गेनिज्म जिन्हें साथ लाया गया उनका कॉमन एनसिस्टर है इसके लिए मुझे किसकी जरूरत होगी फॉसिल की जरूरत होगी पर क्या फॉसिल ऑलवेज अवेलेबल है नहीं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ऑलवेज अवेलेबल नहीं है बेटा ऑलवेज अवेलेबल है नहीं अब मैं क्या करूंगा मैं यूज करूंगा कुछ और चीजें सुनना ध्यान से मैं क्या यूज करूंगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मैंने आपको कहा वट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए दो ऑर्गेनिज्म जो सेम ग्रुप में रखे गए उनके कॉमन एंसिस्टर है सही है उसके बाद मैं ये पूछूंगा क्या ये इसके लिए आपको क्या चाहिए फॉसिल चाहिए फॉसिल्स क्या हमेशा अवेलेबल होंगे नहीं फॉसिल्स हमेशा अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी ब्रांच है जो मदद करेगी सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इसमें क्या किया गया है हर एक कैरेक्टर को हर एक कैरेक्टर को एक कोड दिया जाता है जैसे मान लो फ्लार पेंटामेरस है उसका एक कोड है ट्राइमेरस है उसका एक कोड है उसके बाद क्या बेटा लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को यहां सेम वेटेज दे सकते हो क्योंकि कैरेक्टर बहुत ज्यादा है और फिर क्या करेंगे एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं उस तरह की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी का मतलब है नंबर हम बहुत सारे कैरेक्टर्स लेते हैं हर एक कैरेक्टर को एक कोड देते हैं उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखता है कर सकते हैं यहां पर वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को सेम वेटेज दे सकते हैं क्योंकि कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं कैरियोनोमी का मतलब होता है कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस होता है कैरियो का मतलब न्यूक्लियस तो इसमें क्या लेंगे क्रोमोजोम का नंबर क्रोमोजोम का नंबर स्ट्रक्चर और बिहेवियर मैं रिपीट कर रहा हूं कैरियोक्सोनोमी का नाम साइटोटेक्सोनोमी भी है सेल के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो कांस्टेंट होती है स्पीशीज में क्या तुम्हारे स्किन सेल और हेयर सेल में क्या सारे फीचर सेम है नहीं सर क्या माइटोकॉन्ड्रिया सेम है नहीं है क्या चीज सेम है क्रोमोजोम का नंबर तो क्रोमोजोम का नंबर बिहेवियर और स्ट्रक्चर इस पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं कैरियोटेक्सोनोमी कीमोटेक्सोनोमी का मतलब होता है बेस्ड ऑन केमिकल्स इन प्लांट केमिकल्स जो प्लांट में मिलते हैं जैसे कि निकोटीन उस पर जो सिस्टम बेस्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं बोलते हैं क्या बोलेंगे बोलेंगे क्या यहां तक समझ में आ रहा है क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां यहां तक तक समझ समझ में में आ आ रहा रहा है है तो सबसे पहले हमने क्या क्या पॉइंट करा सुनो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा आप देखो रिवाइज करते और याद करते क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हमने कहा टू किंगडम और फाइव किंगडम के बाद फाइव किंगडम ने हमने एक ग्रुप बना लिए उसके बाद हमने कहा

नंबर, बिहेवियर स्ट्रक्चर की बात करेंगे और यहां पर केमिकल्स की यहां तक ठीक है डन है सही है अब आगे आ जाओ सवाल करते हैं देखो मैंने कहा था मैं क्वेश्चंस कराऊंगा एक टॉपिक के आ जाओ पहला क्वेश्चन पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा हां जल्दी जल्दी फास्ट बेटा एक वर्कशीट भेजूंगा रुकना आर्टिफिशियल नॉट ट्रू इक्वल ये तो सही है लीनियस प्रपोज सेम हाउ उससे रिलेटेड बात की थी अनिलेटेड कम टूगेदर साइटोलॉजी एनाटोमी फोर्थ आएगा डी आएगा फर्स्ट का आर्टिफिशियल सिस्टम ये नहीं लेते कैरियो टेक्सोनोमी इज बेस्ड ऑन सेल का साइज नहीं ये नहीं है साइटोप्लाज नहीं है गोल्जी बॉडी नहीं है क्रोमोजोम नंबर बी आ जाएगा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा सही है जल्दी बता दो जल्दी बोलो जल्दी जल्दी फास्ट हाँ, सही है उसके बाद आ जाओ बेंथम एन हुकर इज इन्वॉल्व इन नेचुरल सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम फेलोजेनेटिक ऑल ए आएगा तो तीन क्वेश्चन हो गए हमारे पास हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ ए आएगा हाँ थर्ड का ए आएगा सही है सही है सही है आगे चलते हैं अगला टॉपिक लेते हैं चलो आ जाओ अब हम बात करेंगे बेटा अब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम में जनरल फीचर्स की ये जनरल फीचर्स क्या होते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम में टोटल कितने ग्रुप हैं सर ये पांच ग्रुप है देख भाई एलगी ब्रायोफाइट है ना यही पांच ग्रुप है एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म क्या ये नाम याद हो गए एलगी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म अब हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की सबसे पहला फीचर हम बात करेंगे स्पर्मेटोफाइट फाइट शब्द का मतलब होता है प्लांट स्पर्म का मतलब होता है सीड तो सीड बियरिंग प्लांट ऐसे प्लांट जिसमें सीड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं तो स्पर्मेटोफाइट का क्या मतलब है स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड होते हैं ऐसे प्लांट क्या है जिसके अंदर सीड होते हैं उन्हें स्पर्मेटोफाइट कहते हैं यहां पर आएगा जिम्नोस्पर्म और साथ में एनजीओ कोई डाउट है किसी को किसी को डाउट पहले फीचर में नहीं सर ट्रेक्यो का मतलब है जिनमें वास्कुलर जाइलम फ्लोयम होता है बंडल का क्या मतलब हुआ जाइलम और फ्लोयम होता है तो उन्हें हम ट्रेक्यो कहते हैं उसमें मेरे पास टेरिडोफाइट आ जाएंगे जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे और क्या आ जाएगा एनजीओ आ जाएगा कोई डाउट है इसमें बताओ कोई डाउट है जल्दी बताओ बेटा कोई डाउट है जल्दी जल्दी फास्ट नहीं सर उसके बाद जाइगोटिक माइटोसिस जाइगोटिक माइटोसिस का क्या होता है मतलब सुन लो ध्यान से एलगी जो होती है उसके जाइगोट की मियोसिस होती है जाइगोट में मियोसिस होती है बाकी जितने भी ग्रुप हैं ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एनजीओ उनके जाइगोट में माइटोसिस होती है

क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ जल्दी बोलो जल्दी जल्दी फास्ट क्या यहां तक समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी बेटा ड्रॉपर के बैच के लिए मैं इन्फॉर्म कर देता हूं जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हमने ऐप पर लाइव तो कर दिया है बैच ठीक है लेकिन वो स्टार्ट एग्जाम के बाद ही होगा टीचर्स के लिए देख पूछना चाहो तो एक आपके सामने मास्टर खड़ा हुआ है ये जरूर पढ़ाएगा ठीक है एमडी सर जरूर पढ़ाएंगे ठीक है केमिस्ट्री की भी टीम लगभग आपको पता ही है ठीक है हम और भी लोगों को साथ में जोड़ रहे हैं जो भी आ जाते हैं उनको साथ में जोड़ रहे हैं फिजिक्स की भी टीम लगभग आपको पता है पर और भी लोगों को हम लेकर आएंगे ठीक है है ना क्या प्रॉमिस कर सकते हैं बेटा कंटेंट का है ना उसके अलावा तो कोई और तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ कहोगे तो एक नया फीचर ला देंगे जिसमें कॉल पर बात करा देंगे आपकी है ना मान लो मैं टोटल कितनी क्लास पढ़ाऊंगा दो क्लास पढ़ाऊंगा एक बच्चे को मैं एक दिन कॉल पर बात करा दूँ हेलो कैसा है बेटा कैसा है क्या खा रहा है क्या फ़ायदा उसकी जगह दो डीपीपी दे दूँ क्योंकि ऐसे तो दो दिन में दो बच्चे कनेक्ट होंगे ना या हो सकता है चार कर दूँ मैं या सारे टीचर कर देंगे तो एक हज़ार बच्चा कनेक्ट हो जाएगा फोन पे लेकिन बैच में हो सकता है बीस हज़ार बच्चा हो तो सबसे फोन पे तो बात करने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारी मेरी कनेक्टिविटी डीपीपी और लेक्चर की है जो रियल कनेक्टिविटी है कंटेंट की इसके अलावा कुछ नहीं है जो सच है सच है बेटा घुमा के बात नहीं करते अपन लोग हाँ मान लो मैं बात करा के थोड़ी कोई एडवांटेज है आपसे मेरा कनेक्शन एक्चुअल में कंटेंट का है मैंने टेलीग्राम पे उससे ज़्यादा दिन में मैं बात कर लेता हूँ रिप्लाई कर देता हूँ बच्चों के आप में से बहुत सारे बच्चे वैसे भी मेरे से बात कर लेते हैं हाँ मैंने जितना ज़्यादा मैंने रिप्लाई किया शायद ही किसी ने किया होगा मैं बोलता नहीं हूँ सब आज जाओ इधर देखो भाई आओ जल्दी से आओ एप्लॉइड एप्लॉयड की बात करते हैं हाँ ठीक है इधर देख बेटा छोट फीस भी छोड़, पे बता देंगे आपको कोई दे, ऐसा फीस इतना बड़ा इशू नहीं है मेन इशू होता है तुम एक साल दो रहे होगे मुझे है हाँ ना उसे एक साल की मैं क्या लौटा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है क्या सारा कंटेंट अच्छा मिल गया वो ज्यादा है इधर देख बेटा ध्यान से हर एक प्लांट में इधर मेरी तरफ पूरा फोकस चाहिए इधर 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 पूरा फोकस बाकी छोड़ दे अभी है सात मई को पेपर है नया बैच कब आएगा बाद में बात करते हैं अभी इस पर ध्यान दे ठीक है मैं पहले नहीं बात करूंगा उस पर भी इधर ध्यान दे बेटा मान ले हर एक प्लांट में दो स्टेज होती है एक डिप्लॉयड है ये हेप्लॉयड है डिप्लॉइड को कहते हैं स्पोरोफाइट को कहते हैं गेमिटोफाइट ध्यान से सुन मेरी बात हर एक प्लांट में दो स्टेज होती है एक स्पोरोफाइट होती है गेमेटोफाइट होती है समझ में आ रहा है एक स्पोरोफाइट होती है गेमेटोफाइट होती है ठीक है स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है गेमेटोफाइट हेप्लॉइड होती है स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है गेमेटोफाइट हेप्लॉइड होती है जिन प्लांट्स में मेन प्लांट हरा प्लांट अगर गेमेटोफाइट हो जिन प्लांट्स में मेन प्लांट हरा प्लांट डोमिनेंट प्लांट गेमेटोफाइट हो उस प्लांट को हैप्लॉइड बोलते हैं समझ आ रहा है जिन प्लांट्स में मेन प्लांट डिप्लॉइड हो स्पोरोफाइट हो ऐसे प्लांट को डिप्लॉयड बोलेंगे तो हर एक प्लांट में दो स्टेज होती है स्पोरोफाइट तो गेमिटोफाइट अगर गेमिटोफाइट मेन प्लांट है तो वो प्लांट हैप्लोइड होता है अगर स्पोरोफाइट मेन प्लांट है तो प्लांट डिप्लॉयड होता है मेन प्लांट का मतलब हरा होगा ज्यादा समय के लिए होगा क्लियर हुआ है जल्दी बोलो बेटा जल्दी 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 हां जल्दी बेटा तो हमारे पास हैप्लॉइड देखो हेप्लॉइड का क्या मतलब है मेन स्टेज गेमेटोफाइट एग्जाम्पल बताएंगे जल्दी बताओ जल्दी जल्दी एग्जाम्पल बताएंगे सर एलगी आ जाएगा और ब्रायोफाइट आ जाएगा इनमें मेन प्लांट गेमेटोफाइट होता है उसके बाद डिप्लॉइड प्लांट कौन से होते हैं जिनमें मेन स्टेज क्या होती है मेन स्टेज स्पोरोफाइट होती है मेन स्टेज क्या होती है स्पोरोफाइट होती है इसमें कौन आएगा टेरिडोफाइट आएंगे जिम्नो आएंगे और एनजीओ आएंगे तो यहां से आपने क्या सीखा आपने ये सीखा कि एलगी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट हैं सर हेप्लॉड प्लांट है क्योंकि उनकी मेन स्टेज गेमेटोफाइट है मेरे पास टेरिडो जिम्नो एनजीओ क्या है डिप्लॉइड प्लांट है क्योंकि उनकी मेन स्टेज क्या है स्पोरोफाइट है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट सही है सर सही है सही है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पे दो चीजें क्लियर कर चुके हैं अगर कोई प्लांट हेप्लॉइड है तो उसकी मेन स्टेज गेमेटोफाइट है अगर कोई प्लांट डिप्लॉइड है तो मेन स्टेज क्या है

वास्कुलर बंडल टेरिडो जिम्नो एनजीओ जाइोटिक माइटोसिस किसमें होगी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ एलगी में जाइोटिकॉड कौन है एलगी और ब्रायोफाइट फाइट डिप्लॉइड कौन है टेरिडो जिम्नो एनजीओ क्लियर है सही है सर आगे चलते हैं अब बात करते हैं हम लोग बेटा तीन चीजों की लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं मैं फिर बोल रहा हूं लाइफ साइकिल जिसे जीवन चक्र कहते हैं कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लोइड डिप्लॉइड हो सकता है पर लाइफ साइकिल में वर्ड यूज नहीं करते वहां तीन शब्द यूज कर सकते हैं फिर रिपीट कर रहा हूं लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लोन्टिक और डिप्लॉन्टिक होती है लाइफ साइकिल को दो मिनट के लिए पूरी तरीके से मेरे साथ समझे इधर आ जाए बेटा इधर आ जाए जल्दी से इधर आ जाए बेटा जल्दी से इधर आ जाए हमारे पास गेमेटोफाइट कितना है एन ठीक है मेरी बात सुनना ध्यान से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं फोकस करो फोकस पूरा मेरी तरफ ले लेंगे ध्यान से देखो बेटा ये गेमेटोफाइट है यह स्पोरोफाइट है यह स्पोरोफाइट गेमेटो है गेमेटोफाइट है गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है होता है और वो गैमेट बनाता है स्पोरोफाइट क्या बनाता है स्पोर सही है किसी भी प्लांट में ये दोनों स्टेज होनी कंपलसरी है मैं फिर रिपीट कर रहा हूं एलगी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ इन सभी प्लांट में दो स्टेज होती है गैमेट बनाती है इधर देख बेटा ध्यान से देख ध्यान से देख हमारे पास ये क्या है ये गेमेटोफाइट है गेमेटोफाइट है वो क्या बनाती है गैमेट बनाती है जो है ठीक है गेमेटोफाइट कैसे गैमेट बनाती है हैप्लोइड है यह गैमेट बना रही है कैसे गैमेट बना रही है माइटोसिस कैसे बनाएगी बाई माइटोसिस सही है सर यह स्टेज है यह डिप्लॉइड है यह स्पोर हैप्लोइड होता है डिप्लॉइड से हैप्लोइड कैसे बनाओगे सर मियोसिस तो किसी भी प्लांट में स्पोरोफाइट भी होता है गैमेटोफाइट भी होता है गैमेटोफाइट गैमेट gamet बनाता है माइटोसिस से स्पोरोफाइट स्पोर spor बनाता है मियोसिस से जब गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है तो उससे बनता है जाइगोट जाइगोट कैसा होता है डिप्लॉइड यहां क्या लिखूंगा फर्टिलाइजेशन सही है सर फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन गया अब जाइगोट की माइटोसिस से स्पोरोफाइट बनता है स्पोर की माइटोसिस से क्या बनता है गेमेटोफाइट सही है सर ये एक जनरल लाइफ साइकिल किसी भी प्लांट के लिए मैंने बना दी मेरी बात सुने स्पोरोफाइट की माइटोसिस से गैमेट सॉरी गैमेटोफाइट की माइटोसिस से गैमेट बने गैमेट से zygote, zygote से मल्टी फिर मियोसिस से स्पोर स्पोर की माइटोसिस से फिर गैमेटोफाइट बने अब जरा ध्यान से सुनना अगर लाइफ साइकिल हैपलॉन्टिक है जो कि एलगी में होती है अगर लाइफ साइकिल हैपोलॉन्टिक है जो एलगी में होती है उसमें क्या होता है सुनो ध्यान से ये गैमेटोफाइट है ठीक है ये स्पोरोफाइट है गैमेटोफाइट से गैमेट बनेंगे गैमेट से जाइगोट जाइगोट की और ये स्पोर है तो जाइगोट से डायरेक्टली स्पोर बन जाएगा मियोसिस से इसका मतलब जाइगोट ही स्पोरोफाइट होता है एलगी में समझ में आया कि नहीं आया फिर रिपीट करता हूं ये गैमेटोफाइट है इससे गैमेट बना गैमेट से क्या बन गया जाइगोट एलगी के केस में जाइगोट की मियोसिस होके स्पोर बन जाते हैं ये नहीं बनता मल्टी स्पोरोफाइट नहीं बनता ये चीज समझ में आ रही है तो ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं हेप्लॉन्टिक हेप्लॉन्टिक किसमें मिलती है एलगी में हेप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि उसमें एक तो जाइगोट में मियोसिस होगी और और स्पोरोफाइट स्टेज रिड्यूस्ड है रिड्यूस का मतलब बहुत कम सेल्स हैं स्पोरोफाइट स्टेज क्या है Reduced है, रिड्यूस का मतलब होता है very less cells. Very less cells. क्या कोई है इसमें बताओ जल्दी से अब आ जाओ डिप्लॉन्टिक में अब आ जाओ में आ जाओ. मेरी सुनो ध्यान से इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे इधर दो, इधर दो. इधर दो इधर ध्यान 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 दो 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 बेटा मैंने कहा स्पोरोफाइट सिंगल सेलगोट है इसकी माइटोसिस नहीं, कुछ नहीं बनेगा सिर्फ की ये एलगी है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब होता है स्पोरोफाइट आपके बाहर जो आप ट्री देखते हो ना नीम का पेड़ ये स्पोरोफाइट स्टेज होती है गेमेटोफाइट के अंदर बहुत कम सेल्स अगर आप सोचो ध्यान से कि स्पोरोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलोगे बोलोगेटिक क्योंकि स्पोरोफाइट तो डिप्लॉइड तो होता है अगर गेमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स हैं ऐसी लाइफ साइकिल को क्या बोलोगे डिप्लॉन्टिक जो किसमें होती है जिम्नो और एनजीओ में होती है चीज समझ में आ रही है क्लियर है अब ध्यान से देखना अब बात करते हैं अगर दोनों स्टेज में काफी सारे सेल्स हैं, दोनों स्टेज में काफी सारे सेल्स प्रेजेंट हैं तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैप्लोडिप्लॉन्टिक अगर आपसे कोई पूछे हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल का क्या मतलब है तो आप सबसे पहले कहोगे एल्गी में होती है दूसरा इसकी स्पोरोलगोट होती है Zygote में होती है अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज विप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप कहोगे गैमेटोफाइट स्टेज में बहुत कम सेल्स होते हैं सेल्स की संख्या घट जाती है ठीक है इसका एग्जाम्पल जिमनो एनजियो है, है में क्या है स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट ये दोनों स्टेज कैसी होती है ये दोनों स्टेज मल्टी सेलुलर होती है कैसी होती है भाई मल्टी सेलूलर होती है मल्टी सेलूलर होती है तो ये दोनों स्टेज मल्टी सेलूलर होती है ठीक है में अच्छे खासे सेल्स होते हैं देखो स्पोरोफाइट में भी खूब सारे सेल्स गेमेटोफाइट में भी खूब सारे सेल्स अगर मेन प्लांट गेमेटोफाइट है ऐसा ब्रायोफाइट में होता है मेन प्लांट स्पोरोफाइट है ऐसा टेरिडोफाइट में होता है तो टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्या ये बोर्ड पे लिखा हुआ याद हो गया तो रिपीट करते हैं का मतलब में मियोसिस डिप्लॉन्टिक का मतलब गेमेटोफाइट सेल्स बहुत कम हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। है, है मतलब स्पोरोफाइट गेमेटो सेल्स बहुत ज्यादा है लेकिन ब्रायोफाइट तो में गेमेटोफाइट मेन प्लांट है टेरिडोफाइट तो में स्पोरोफाइट मेन प्लांट है याद हुआ जल्दी बताओ बेटा याद हुआ एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे अभी याद हो गया जल्दी बोलो हां या वन शॉट है खत्म करेंगे जल्दी से टेंशन ना लो हां जल्दी जल्दी याद हो गया अरे पीपी -पी टाइप के बच्चों जल्दी बताओ याद हो गया हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फास्ट ठीक है आगे आ जाओ अच्छा सही है ये देखो जरा लाइफ साइकिल आप बताओ जरा ईच प्लांट हैव टू स्टेज स्पोरोफाइट और क्या है गैमेटोफाइट सही है सर यह बात बिल्कुल अच्छी लग रही है स्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस कौन बनाएगा स्पोरोफाइट बनाएगा गेमेटोफाइट बनाएगा गैमेट बाय माइटोसिस प्लांट इज हेप्लोइड व्हेन गैमेटोफाइट मेन प्लांट है जो लिख रहा हूं बातें समझ में आ रही है पापी टाइप के बच्चों प्लांट इज एप्लॉइड व्हेन स्पोरोफाइट मेन प्लांट है बाकी लाइफ साइकिल आपको बता दी एलगी की जिम्नो एनजीओ की क्वेश्चंस करते हैं क्वेश्चन मैंने कहा था साथ कराऊंगा जल्दी कर बेटा फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जल्दी से सारे बच्चे फोर्थ क्वेश्चन करेंगे जल्दी जल्दी फास्ट फोर्थ क्वेश्चन करेंगे फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन करेंगे बेटा सबसे पहले हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन बताओ जल्दी से पलोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्रेजेंट इन एलगी ब्रायोफाइटिक लाइफ साइकिल किसमें क्या आंसर आ रहा हैलुलर एंड सफिशियंट सेल्स हो ऐसी लाइफ साइकिल कौन सी थी भाई दोनों में काफी सारे सेल्स ऐसी कौन सी लाइफ साइकिल थी बी लगा दू इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट हां उसके बाद जाइगोटिक म्यूसिस अकरिन म्योसिस अकर इन जाइगोटिक म्यूसिस किसमें आएगी एलगी ब्रायोफाइट जिम्नोसपर जाइगोटिक जाइटिक म्यूसिस किसमें आएगा एलगी में ए लगा दू सीड बेयरिंग प्लांट स्पर्मेटोफाइट कौन है देखो आप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं सीड बियरिंग प्लांट के एग्जाम्पल या तो जिम्नो होगा या एनजीओ होगा इन दोनों में से कौन है यूलोथ्रिक्स मार्केशिया टेरिस ये देखो यूलोथ्रिक्स ग्रीन एलगी मार्केशिया ब्रायोफाइट टेरिस टेरिडोफाइट ये क्या है जिम्नो तो यहां पर क्या लगेगा जिम्नो डी आएगा जल्दी बोलो सेवंथ का क्या आएगा बेटा आंसर मैं फिर बोल रहा हूं एबीसी लिखने की जगह सिक्स का ए सेवन का भी ऐसे लिखा करो मुझे कुछ पता चले टाइम पास मत करो अच्छे से लिखा करो हाँ, सही से लिखा करो बेटा ठीक है अच्छे से बताया करो चलो आगे चलेंगे एलगी पढ़ रहे हैं आ जाओ एलगी से शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहला पॉइंट एनसीआरटी ने क्या लिखा है एनसीआरटी एलगी हैबिटेट की बात करती है एलगी कहां मिलती है सर जी पानी में मिलती है एक्वेटिक में भी दो तरह का पानी ताजा पानी मैरीन मैरीन पानी उसके अलावा कुछ अनयूजुअल चीजें भी हैं अनयूजल का मतलब हो गया कुछ मॉइस्ट सॉइल पे मिल जाती है ऑन एनिमल एनिमल मतलब किसी एनिमल पे जैसे स्लॉथ बियर वहां मिल जाएगी स्नो पर मिल जाएगी ऐसी जगह पर भी एलगी हमारे पास मिल जाती है अगर हम एलगी के स्ट्रक्चर की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलगी के स्ट्रक्चर में थैलॉइड ट इज मीनिंग ऑफ थेलॉइड थैलॉइड का क्या मतलब होता है thaloid का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी कोई शेप नहीं है कोई रूट नहीं है कोई लीफ नहीं है कोई स्टैम नहीं है ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं थैलॉइड दूसरा उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है ठीक है क्लोरोफिल प्रेजेंट है थैलॉइड स्ट्रक्चर है अब मैं आपसे ये कह रहा हूं इधर देखो बेटा इधर देखो ध्यान से देखो ये मान लो मैंने थेलस जैसा स्ट्रक्चर बना लिया थैलस का मतलब इसकी कोई शेप नहीं है थैलॉइड का क्या मतलब है थेलॉइड का मतलब क्या है कि ये यह है क्लोरोफिल बियरिंग क्लोरोफिल बियरिंग का क्या मतलब है सुन ले ध्यान से आप सब लोग मैं ये कह रहा हूं बेटा कि एलगी जो है उसका स्ट्रक्चर थैलॉइड है तो ये बना दिया मुझे क्या करना है इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है और सेल की डिटेल पढ़नी है मुझे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ना है और किसकी डिटेल पढ़नी है सेल की डिटेल पढ़नी है समझ में आ रहा है जल्दी बताओ हाँ जल्दी बताओ तो सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं एलगी की तो एलगी दो तरह की से हम अलग अलग स्ट्रक्चर लिखते हैं मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले एलगी क्या होती है यूनिसेलर हो सकती है दूसरा एलगी कैसी हो सकती है कोलोनियल हो सकती है तीसरा एलगी कैसी हो सकती है फिलामेंटस हो सकती है फिलामेंटस वर्ड का क्या मतलब है वो भी देख रहे हैं जैसे अगर आप ध्यान से देखो यूनिसेलुलर एलगी के एग्जाम्पल में एक क्लमाइडोमोनास है और कौन सा है क्लोरेला है कोलोनियल के एग्जाम्पल में वॉलवॉक्स है फिलामेंटस में मेरे पास यूलोथ्रिक्स है उसके अलावा और कौन सी हो सकती है स्पाइरो उसके अलावा ब्राउन जो होती है वो फिलामेंटस ही होती है रेड फिल्मी भी फिलामेंटस हो सकती है ये सब कैसी हो सकती है फिलामेंटस हो सकती है तो जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है देखो आपने हैबिटाट की बात कर ली उसमें क्वेश्चन यहां आ सकता है अन हैबिटाट पे स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो थेलॉइड थेलॉइड में सबसे पहले पढ़ोगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फिर आप पढ़ोगे सेल की डिटेल सेल की डिटेल में मैं आपसे यह नहीं पढ़ाऊंगा एलगी में माइटो होता है कि नहीं मैं आपको यह पढ़ाऊंगा कि एलगी में सेल वॉल क्या होती है पिगमेंट उसके बाद फ्लैजिला होता है कि नहीं पिगमेंट होता है कि नहीं और स्टोरेज क्या होता है ये चार बातें करेंगे सेल की डिटेल में क्या क्लियर हो रहा है जब हम एलगी पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर थैलॉइड है तो एलगी मेरे पास यूनिसेलुलर होती है कॉलोनियल होती है फिलामेंटस होती है ये कुछ इसके स्ट्रक्चर हो गए ठीक है उसके बाद एलगी में सेल की क्या डिटेल है उसमें चार चीजें पढ़नी है सेलवॉल फ्लेजिला पिगमेंट और स्टोरेज क्या क्लियर है जल्दी बोलो बेटा क्या यह बात क्लियर है जल्दी बोलो हां जल्दी बोलो तो ये ये चीजें हमने डिस्कस करनी है आगे आओ आगे आओ फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाली एल्गी जो है ये कोलोनियल है दिस वन इज कोलोनियल 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 क्या होती है वॉलवॉक्स ये जो है ये फिलामेंटस है ये देखो फिलामेंटस ब्रांच है ऐसी ब्राउन एल्गी होती है जनरली ये मान लो हो ऐसी। हो गई गई ऐसी यूलोथ्रिक्स ठीक है उसके अलावा ये ये देखो ये क्लोरेला है तो क्लोरेला में फ्लैजिला है नहीं क्लोमास में क्या है फ्लैजिला है उसके अलावा ब्राउन एलगी क्या करती है ऐसे नीचे अटैचमेंट होती है उसमें यह पूरा क्या है यह पूरा थैलस है यह थैलस तीन पार्ट में दिख जाता है नीचे जो अटैचमेंट है वो किसकी होती है होल्ड फास्ट की अटैचमेंट किसकी होती है होल्ड फास्ट की ये बीच वाले हिस्से को स्टाइप कहते हैं ये फ्रॉन्ड है ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है ये क्या है मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है तो जरा ध्यान से सुनेंगे सुने कैसी यूनिसेलुलर -कैसी हो, हो सकती है और कैसी हो सकती है ये कॉलोनियल हो सकती है और कैसी हो सकती है फिलामेंटस हो सकती है ये जो स्ट्रक्चर है ब्राउन एलगी का ये अटैचमेंट को कहते हैं होल्ड फास्ट क्या होल्ड फास्ट पानी एब्जॉर्ब करता है जरूरत नहीं है मिनरल एब्जॉर्ब करता जरूरत नहीं है स्टाइप है और ये फ्रॉन्ड है ये फ्रॉन्ड बहुत बड़ा होता है तैरता रहता है पानी में फ्लोट करता है तो ये जो फ्रॉड है ये मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट है तो हम ये क्या दिखा रहे हैं आपको एलगी का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं एक्सटर्नल तो जो मैंने पॉइंट्स लिखे उसको याद करना हमने इस पेज पर यूनिसेलुलर में क्लमेडोमोनास और क्लोरेला कलमाइडोमोनास में फ्लैजिला है तो क्या लिखोगे सर मोटाइल फ्लैजिला नहीं है तो क्या लिखोगे नॉन मोटाइल सही है सर उसके बाद मैंने यहां पर वॉलवॉक्स लिखा है यहां पर यूलोथ्रिक स्पायर वगैरह ये सब हो गया ये चार चीजों पे डिस्कशन करेंगे याद हुआ कि नहीं बताओ सर इसके नोट्स कहां मिलेंगे टेलीग्राम पर मिलेंगे ठीक है दूसरा इसके पीडीएफ मिल जाएगी हां हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के हां बेटा नेक्स्ट वर्कशीट आज ही आएंगी दोनों मैं एक्सट्रीमली सॉरी माफी मांगता हूं आपसे कि नहीं दे पाया कल ठीक है आज इवनिंग में दोनों दे दूंगा और कल से बिल्कुल रेगुलर आएगी ठीक है परसों कुछ हेल्थ ठीक नहीं थी वो सच था ठीक है हाँ हमारी हेल्थ सच में खराब थी वो, वो उस चीज को आप समझिए चिंता मत कीजिए हम ऐसे गायब नहीं होंगे ज्यादा एडवांस ब्राउन एलगी का होता है टेंशन ला लो बेटा आ जाओ एलगी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं एनसीआरटी लिखती है प्रोड्यूसर का मतलब होता है खाना बनाना

हमारे पास जिलीडियम और एरिया ये एक केमिकल बनाते हैं अगार अगार क्या होता है बेटा जम जाता है सॉलिड हो जाता है तो इसलिए वो आइसक्रीम में और जेलीज में यूज होता है कहां यूज होगा आइसक्रीम में और जेलीज में यूज होगा उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हमारे पास ग्रीन एलगी सॉरी ब्राउन एलगी बनाता है क्या ग्राउन एलगी बनाता है एलजीन और रेड एलगी बनाता है काराजीन ये केमिकल्स मुझे किससे मिलते हैं रेड एलगी और इससे ठीक है स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं क्लोरेला क्लोरेला क्या है ग्रीन एलगी है Spirulina. Spirulina क्या है बेटा ब्लू ग्रीन एलगी है स्पेस एज अ फूड यूज करते हैं इनको सही है तो ये कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो एलगी की दे रखी है पहला है 50 परसेंट के आसपास सीओ टू मोर देन 50 परसेंट सीओ टू एलगी फिक्स करती है ओशियन वगैरह में आसपास ऑक्सीजन बढ़ा देती है मेरीन एलगी है कुछ पोरफाइरा लेमिनेरिया लगभग सत्तर स्पीशीज है ऐसी जो आ, मतलब खाते हैं हम लोग मेरीन एलगी की ब्राउन एलगी रेड एलगी ब्राउन एलगी से एलजीन और काराजिन से ये हाइड्रोकोलाइड है हाइड्रोकोलाइड का मतलब पानी होल्ड कर सकते हैं उसके अलावा जिलीडियम ग्रेसिलेरिया अगार आइसक्रीम और जेलीज यहां पे मिलेगा मुझे मतलब आइसक्रीम जेली को सॉलिडिफाई जमाने के लिए स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं अब अब यहां पर एक कंफ्यूजन है पुरानी एनसीआरटी में स्पिरुलिना लिखा हुआ है एलगी में पर स्पिरुलिना ब्लू ग्रीन एलगी है इसलिए नई एनसीआरटी से स्पिरुलिना हटा दिया है पर स्पेस ट्रेवलर दोनों को यूज करते हैं पर स्पिरुलिना बैक्टीरिया है एलगी नहीं है हो जाएगा हो जाएगा जल्दी बोलो बेटा एक पूछ रहा है सर लाइव है हां लाइव है बेटा ठीक है क्वेश्चन करें जल्दी से आओ क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन करेंगे जल्दी करो आ जाओ नॉन फिलामेंटस एलगी क्वेश्चन नंबर एट जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट नॉन फिलामेंटस एलगी क्वेश्चन करेंगे बेटा वाटर होल्डिंग सबस्टांसिस इज एल्जीन और काराजीन हाइड्रोकोलाइड पानी होल्ड कर सकता है पानी एब्जॉर्ब कर सकता है ठीक है जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फास्ट देखते एट का बताओ भाई शाबाश ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा अच्छा ये ऑल आएगा आंसर ठीक है नॉन फिलामेंटस फिलामेंटस है स्ट्रक्चर इन मोस्ट एलगी ऑल एल्गी नहीं आएगा प्रोटिस्टा नहीं आएगा ऑल एनिमल्स नहीं आएगा मोस्ट फिलामेंटस होती है डैश डेगी यूज बाई स्पेस ट्रेवलर क्लोरेला स्पिरुलिना बी आंसर आएगा कुछ बच्चे इसको बोथ वन एंड टू करना चाहते हैं ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि ये बैक्टीरिया है बी आएगा इसका टेंथ का हो गया आंसर टेंथ का बी आएगा भाई टेंथ का बी आएगा ध्यान दे लो टेंथ का भी आएगा चले आगे चलो आगे चलते अब आओ जल्दी से मैंने आपको क्या पढ़ाना है देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन से आएंगे एलगी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस वाले पार्ट से आएंगे सेलवोल फ्लैजिला पिगमेंट स्टोरेज इन चीजों को कर, आपको क्या करना है कंपेयर करना आ जाओ जल्दी से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ग्रीन एलगी में जरा सेलवोल की बात कर लेते हैं आप हमेशा याद रखो कोई भी एलगी हो सब में सेलुलोज होता है सेलूलोज इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसके अलावा इसमें हमारे पास पैक्टिन होता है बाहर आउटर इसमें होता है मेरे पास एलजीन इसमें होता है काराजीन और काराजीन के साथ पॉलीसल्फेट एस्टर याद हो जाएगा याद होगा नहीं होगा तो सेलुलोज सारी एल्गी में होता है पैक्टिन होगा ग्रीन एलगी में

वो बनता है ट्यूबलिन से हमारे पास जो ग्रीन एलगी होती है ग्रीन एलगी में फ्लैजिला कितने होते हैं दो से आठ होते हैं और ऊपर की तरफ होते हैं ऊपर होता है एपिकल ऊपर मतलब ऊपर की तरफ सेल पे होता है एपिकल और इक्वल होते हैं तो मेरे पास ग्रीन एलगी में फ्लैजिला कितने होते हैं दो से आठ होते हैं एपिकल होते हैं इक्वल होते हैं मेरे पास ब्राउन एलगी में फ्लैजिला होते हैं मतलब साइड में है देखो ये ये साइड में है और कैसे होते हैं अन होते हैं और इसमें फ्लैजिला होते ही नहीं है अब आपको समझना पड़ेगा फ्लैजिला कहां हो सकता है एक तो गैमेट में हो सकता है उसके अलावा क्या हो सकता है जू स्पोर में हो सकता है यहां पर भी कहां होगा गैमेट में होगा और कहां होगा जू स्पोर में होगा तो इसका मतलब इसका गैमेट जो होगा वो नॉन मोटाइल होगा मतलब उसमें फ्लैजिला नहीं है और उसका स्पोर जो होगा वो ए प्लानो होगा जो कि नॉन मोटाइल है तो आपने क्या क्या बात सीखी आपने सबसे पहले क्या सीखा

जल्दी करो बेटा फास्ट जल्दी जल्दी फास्ट क्या इतनी बात याद हो गई जल्दी जल्दी फास्ट इतनी बात याद हो रही है तो अगर आपसे पूछा जाए जूसपोर किसमें होगा ग्रीन एल्गी ब्राउन एल्गी किसी फंजाई में होता है फाइकोमाइस्टीज किसमें होगा फाइकोमाइस्टीज में होगा हो एल्ब्यूगो में याद कर सकते हैं ठीक है ग्रीन एलगी ब्राउन एल्गी में जूसपोर होंगे ग्रीन एल्गी में दो से आठ होंगे ब्राउन एलगी में कितने होते हैं दो होते हैं लेटर अनइक्वल रेड एलगी में कोई फ्लैजिला नहीं है फंजाई में फ्लैजिला फ्लैजिला सॉरी बैक्टीरिया में बना है प्रोटीन का Eukaryotes में किसका बना है Tubulin का जो क्या बनाता है माइक्रो माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है और उसमें मेरे पास नाइन प्लस टू अरेजमेंट होती है तो ब्राउन एलगी ग्रीन एलगी के फ्लैजिला में नाइन प्लस टू अरेंजमेंट होगी क्या यहां तक समझ में आ रहा है जल्दी बताओ क्या यहां तक समझ में आ रहा है चैट में बताओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी. आगे आ जाओ अब हम बात करते हैं पिगमेंट की ध्यान दे तीनों एलगी में क्लोरोफिल ए होना कंपलसरी है क्योंकि क्लोरोफिल ए की वजह से ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है क्योंकि क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है आगे की बात यह है कि इसके साथ क्लोरोफिल बी होगा इसके साथ क्लोरोफिल सी और इसके साथ क्लोरोफिल डी इसके साथ हमारे पास एक ब्राउन पिगमेंट होता है जिसे कहते है।, कहते है कलर चेंज होता है ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन ऑलिव ग्रीन से ब्राउन की तरफ जाता है जितना ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा फ्यूकोजेंथिन इसमें जो पिगमेंट होता है रेड होता है फाइकोएरिथ्रिन तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चीज कॉमन है पिगमेंट क्लोरोफिल है तीनों में कॉमन है क्योंकि रिएक्शन सेंटर होता है इसमें क्लोरोफिल बी सी और यहां डी यहां ब्राउन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ऑलिव ग्रीन से ब्राउन कलर होगा क्लियर है अब आ जाते हैं स्टोरेज की बात स्टोरेज ग्रीन एलगी में जो स्टोरेज है बेटा मेरे पास वो स्टार्च होता है उसके साथ क्या होगा ऑयल होगा इसमें खास तरह का स्टार्च होता है स्टार्च बेटा आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस से बनना ग्लूकोज है स्टोर फॉर्म अलग अलग है मान लो तुम पैसे कमा लो किस में रुपीज में कमा लो कोई अकाउंट में रख ले कोई डॉलर में रख ले किसी भी फॉर्म में स्टोर कर ले दैट इज फ्लोरिड लेमिनेरियन स्टार्च उसके अलावा एक और चीज होती है मैनीटॉल यहां पर आएगा फ्लोरिडियन स्टार्च फ्लोरिडियन स्टार्च अगर आपको याद हो बायोमोलिक्यूल में बताया था वो सिमिलर होता है लिंकेज में सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन और क्या ग्लाइकोजन अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन से क्या होता है सिमिलर होता है किसकी बात कर रहे हैं फ्लोरिडियन स्टार्च की तो हमने क्या क्या देखा हमने देखा पिगमेंट ठीक है क्लियर है क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी उसके बाद हमने बात की स्टोरेज की स्टार्च और ऑयल लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल ठीक है और यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च याद हो रहा है ठीक है अब यहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर की बात करेंगे इनसाइड क्लोरोप्लास्ट एक स्ट्रक्चर होता है ग्रीन एलगी में उसको कहते हैं पाइरिनॉइड पाइरिनॉइड क्या करता है स्टोर स्टार्च स्टार स्टोर करता है बिसाइड प्रोटीन मतलब प्रोटीन और स्टार स्टोर करता है ये याद करेंगे तो पायरिनोइड किसका फीचर है ग्रीन एलगी का याद होगा कि नहीं बताओ जल्दी जल्दी फास्ट याद होगा जल्दी बताओ बेटा याद हो रहा है जल्दी जल्दी से तो हमने क्या क्या याद किया याद जाओ ग्रीन एलगी की सेल वॉल सेलोटिन रेड एलगी एस्टर फ्लैजिला कितने होते हैं ग्रीन एलगी में दो से आठ एपिकल इक्वल ब्राउन एल्गी में दो लेटरल अनइक्वल रेड एलगी में फ्लैजिला ही नहीं होता

उसमें फ्रेगमेंटेशन होती है फ्रेगमेंटेशन हमेशा मल्टी सेलुलर एल्गी में होती है जो भी एल्गी मल्टी सेलुलर होगी उस सब में फ्रेगमेंटेशन होगी क्या आप कोई एलगी ऐसी बता सकते हो जिसमें फ्रेगमेंटेशन ना हो हां सर आप बताते रहे हो तो और यूनिसेलर तमासक्शुअल में इनमें जू स्पोर होंगे इसमें भी जू स्पोर होंगे और इसमें होंगे ए प्लेनोस्पोर ए प्लेनोस्पोर का मतलब नॉन मोटाइल स्पोर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ग्रीन एलगी में आइसोगेमस हो सकता है आइसोगेमस मतलब दोनों गैमेट सेम साइज के फिर हो सकता है एन हो कुछ और फिर यहां पर हो सकता है ऊ गैमस जिन बच्चों को इन टर्म्स के मतलब नहीं पता मैं बता देता हूं आइसोगेमस का मतलब होता है दोनों गैमेट सेम साइज के यहां मेल फीमेल वर्ड यूज नहीं करते आइसोगेमस में दो ऑप्शन होते हैं एक हो सकता है नॉन मोटाइल मतलब दोनों में फ्लैजिला नहीं है यह क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया इस बार भी आ सकता है नॉन मोटाइल है फिर हम आ जाते हैं यहां पर मोटाइल मोटाइल में एनसीआरटी ने यूलोथ्रिक्स डाल दिया है आप साथ में क्लास ट्वेल्थ है क्लेडोफोरा भी याद कर लो क्लेडोफोरा मतलब सेम साइज है मोटाइल है एन में नया एग्जाम्पल एड हुआ नया है नया आया यूडोरीना मार्केट में नया एकदम यूडोरीना ओगेमस में हम याद करेंगे वॉलवॉक्स क्या याद करेंगे वॉलवॉक्स ऐसे ही ये वाली एलगी भी ब्राउन एलगी भी आइसोगेमस एन आइसो ऊगेमस होती है इनके एग्जांपल्स नहीं दे रखे ऊ में फ्यूकस दे रखा है और रेड एलगी ओनली उगैमस होती है क्या हम कर सकते हैं ये ये वाली बात क्या हम कर सकते हैं ग्रीन एलगी में आइसोगेमस नॉन मोटाइल स्पाइरोगेरा मोटाइल में यूलोथ्रिक्स क्लैडोफोरा क्लोमेडोवनास ये भी आ सकता है एन आइसोगेमस में क्या आएगा सर यूडोरीना आएगा क्या आएगा बेटा यूडोरीना यूडोरीना आएगा फिर ऊ में क्या आएगा वॉलवॉक्स आएगा क्या आएगा वॉलवॉक्स आएगा कोई डाउट है जल्दी बता दो जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी बेटा फास्ट जल्दी जल्दी फास्ट और रेड एलगी ओनली ऊ होती है यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे जितना पार्ट मैंने कराया एक से दो क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं क्वेश्चंस करें अगर आपसे पूछा जाए मुझे ऊ गस के एग्जाम्पल बताओ वोलवक्स फ्यूकस और चार रेड एलगी एन आइसोग का सिर्फ यूडोरिना मिलेगा आपके सिलेबस में आइसोगेमस के एग्जाम्पल में मेरे पास ग्रीन एलगी है और ग्रीन एलगी में दोनों है जल्दी बोलो बेटा हां बच्चे अब एक बच्चा पूछ रहा है सर पायरीनोइ में क्या अंदर क्या बाहर होता है ये तुझे कर रहा इनिंग ना लिखा हुआ एनसीआर ने लिखा है, इट स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च तो रिसर्च क्यों कर रहा है एग्जाम से पहले मत कर ठीक है क्लियर है हा सही है आगे आ जाओ अब हम बात करते हैं बेटा एल्गी की लाइफ साइकिल की ध्यान से सुनो एल्गी मान लो ये फिलामेंटस दे रखी है इसकी गेमेटोफाइट स्टेज है गेमेटोफाइट मतलब ये एल्गी है मेन प्लांट ये क्या है मेन प्लांट गेमेटोफाइट स्टेज है ठीक है यह स्टेज कैसी है है इसने यह क्या बना दिया गैमेट्स बना दिए गैमेट्स कैसे बनाएगा सर माइटोसिस से गैमेट्स ने फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया डिप्लोइड अब जाइगोट से डायरेक्टली क्या बन गए स्पोर बन गए हैप्लोइड तो इसका मतलब जाइगोट की क्या हो गई मियोसिस हो गई जाइगोटिक मियोसिस हो गई तो एलगी की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैपोलॉन्टिक होती है क्या होती है लाइफ साइकिल का मतलब मेन प्लांट गैमेटोफाइट है उसने गैमेट्स बनाए माइटोसिस से गैमेट्स ने फ्यूज करके जाइगोट बनाया और जाइगोट की ही नियोसिस होके क्या बन गया स्पोर तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज हैपलॉन्टिक लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट क्या है मेन प्लांट है सही है सर स्पोरोफाइट स्पोरोल है जिसकी मियोसिस हो रही है तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं है लेकिन मेरे पास कुछ एक्सेप्शन भी है, है? सात मई को मैं पूरे के पूरे एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको इवन वन शॉट में से सर इतना कॉन्फिडेंस हा बेटा पढ़ाने से आता है सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं बैचिस में हा इस बात का बिल्कुल गुमान रहना चाहिए कैल पेक्टोकारपस पॉलिसाइफोनिया उसके बाद हम लिखते हैं डिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक में आता है फ्यूकस ये यह है ये क्या है ठीक है तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी एलगी है क्या होती है बेटा जिसमें गैमेटोफाइट क्या है मेन प्लांट है जाइगोट क्या है जाइगोट क्या है स्पोरोफाइट है सही है अब हम बात कर रहे हैं डिप्लॉन्टिक मेरे पास फ्यूकस याद करो जल्दी से जल्दी जल्दी बेटा बच्चे आज कर दूंगा मैं हाँ कर दूंगा सच में कर दूंगा वर्कशीट हाँ अभी घर नहीं जाएंगे पहले वर्कशीट ही भेजेंगे आपको ठीक है क्लास के बाद वर्कशीट पे थोड़ा सा काम बचा है वो करके भेजेंगे आ जाओ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम क्वेश्चंस कर सकते हैं हा ना बताओ क्वेश्चंस कर सकते हैं क्वेश्चंस कर सकते हैं इकोलॉजी बेटा साहिल कुमार मैं कराऊंगा हाँ बच्चे जुने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से मान ले क्वेश्चन मुश्किल से आएगा पर उसकी जगह पहले मैं ये चैप्टर्स कराऊंगा है ना मतलब ये प्रायोरिटी पर है पहले हेप्लोडिप्लॉन्टिक कैलपेक्टोकार्पस पॉलिसाइफोर्निया डिप्लोन्टिक फ्यूकस इसका मतलब यूलोथ्रिक स्पाइरोनास ये सब हेप्लॉन्टिक में करेंगे क्वेश्चन करो दस ग्यारहवा क्वेश्चन आइसोगेमस मोटाइल करो भाई क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आएंगे आइसोगेमस मोटाइल जल्दी करो जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चन करो बेटा क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी फास्ट क्वेश्चंस आइसोगेमस मोटाइल आइसोगेमस यू तो ऊ है वॉलवॉक्स ऊ है स्पाइरो नॉन मोटाइल है आंसर आएगा सी चैट में आंसर चाहिए मुझे नॉट ट्रू फॉर ग्रेसिल एरिया ग्रेसिल एरिया रेड एल् क्या ट्रू नहीं है होगी होगी यस फिलामेंटस नहीं फ्लैजिला फ्लैजिला होता है क्या होता है एबसेंट होता है रेड एलगी में पॉलीसल्फेट एस्टर किसका फीचर है अभी पढ़ा हमने सलवॉल किसके होता है बताओ जल्दी से ग्रीन एलगी ब्राउन एलगी रेड एल्गी रेड एलगी आएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक एलगी कौन सी है कैल्प, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया डी ऑल चेक कर लो आंसर अपने सर ऐसे ही आएगा क्वेश्चन हां ऐसे ही आने चाहिए ऐसे ही आने चाहिए बेटा ठीक है ऐसे ही आने चाहिए क्वेश्चंस। ठीक है चलिए ब्रायोफाइट पढ़ेंगे कैलगी यहां तक क्लियर हो गया सेल याद है फ्लेजिला याद है पिगमेंट याद है स्टोरेज याद है इसी के अराउंड क्वेश्चन घूमेगा क्सोनोमी साइटोटेक्सोनोमी इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए चलिए आगे चलेंगे फटाफट से नेक्स्ट लेंगे नेक्स्ट लेंगे ब्रायोफाइट की बात करेंगे आ जाओ बेटा ब्रायोफाइट सबसे पहले लैंड पर आने वाले प्लांट थे इसलिए उनको प्लांट एम्फीबियन कहते हैं प्लांट एम्फीबियन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी तरीके से लैंड पर नहीं आए तो उनको क्या चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए पानी वॉटर चाहिए क्योंकि उनका मेल गैमेट मोटाइल होता है मेल गैमेट क्या होता है मोटाइल होता है सही है सर मेल गैमेट मोटाइल है अगर हम बात करें इनके हैबिटेट की तो मैं लिख सकता हूं शेडी प्लेस मॉइस्ट प्लेस जहां पर थोड़ा मॉइस्चर हो मॉइस्ट प्लेस शेडी प्लेस कुछ हिली एरिया हो सकता है ऐसी जगह पर मेरे पास ब्रायोफाइट मिलते हैं अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं आप में से कितने बच्चों को यह याद हो गया है कि एलगी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है सर याद हो गया एलगी में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है कि गेमेटोफाइट है सर गेमेटोफाइट है, है. एलगी में गैमेटोफाइट है तो ब्रायोफाइट भी प्लांट थे, उनमें भी मेन प्लांट बॉडी क्या है है, तो मैं लिख सकता हूं स्टेज। मतलब प्लांट स्टेज यहां भी है। अगर मैं आप कहोगे था? था? मतलब होता है रूट स्टैम लीफ प्रॉपरली नहीं बनी थी क्या ब्रायोफाइट में रूट स्टैम लीफ बन गई नहीं पर एलगी से थोड़ा सा ज्यादा ठीक बन गया अच्छा सर तो हम ये लिख सकते हैं थैलस मोर एडवांस देन एलगी एलगी से ज्यादा एडवांस थैलस है एलगी से ज्यादा एडवांस थैलस है बट मेरे पास क्या है ये भी क्या है थैलोइड है थैलोइड ये भी है अब इसमें हम लिख सकते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पर ट्रू like रूट स्टैम लीफ नहीं होते क्या बात समझ में आई सर दोबारा बता दो मैं रिपीट कर रहा हूं एलगी में क्या था गेमेटोफाइट है, भी गेमेटोफाइट है। इसका से थोड़ा बेटर एडवांस है पर इसमें प्रॉपरली रूट स्टैम लीफ नहीं बना एलगी में बना था वह भी नहीं बना था पर इसमें कुछ रूट जैसा लीफ जैसा और स्टैम जैसा कुछ बना है ठीक है पर ट्रू रूट स्टैम लीफ नहीं है लेकिन जो रूट टाइम लीफ जैसा बना है मुझे चैट में बताओ वो एप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है जल्दी बता दो बेटा चैट में बताओ कि वो एप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है जल्दी 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 चैट में बताओ कि वो एप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है जल्दी बताओ बेटा चैट में बताओ वो एप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है सर एप्लॉइड है ठीक है वो एम्प्लॉयड है तो आप जरा एक बार देख लेते हैं फटाफट से मेरी बात सुनेंगे ध्यान से इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इनमें मेन प्लांट गेमेटोफाइट है मेन प्लांट क्या है गेमेटोफाइट और वो थैलस दो तरीके का होता है एक ऐसा थैलस होता है जो ऐसे हॉरिज़ॉन्टल ग्रो करता है ऐसे वो कैसे ग्रो करता है हॉरिज़ॉन्टल ग्रो करता है ठीक है एक थैलस ऐसा होता है जिसमें लीफ होती है पर ज्यादा हाइट तक ग्रो नहीं करता इसको कहते हैं लीफी थैलस पर दोनों थैलस में कॉमन क्या है दोनों थैलस है क्योंकि दोनों गैमेटोफाइट है क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास अगर आप ध्यान से देखो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है लीफ नहीं है ट्रू रूट लीफ एबसेंट होता है ठीक है कोई बात आगे चलते हैं देखो जरा जैसे मैंने क्या किया है ये थैलस बना दिया नाउ दिस इज थैलस ये थैलस ऐसे चिपका हुआ है ऐसे होरिजोनटल है horizontal का मतलब देखो ये इसका ऊपर का हिस्सा हो गया डॉसल ये वेंटल वेंट्रल पे धागे जैसी चीज होती है जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं तो ये जो थैलस है राइजॉइड की मदद से किसी पत्थर पे कहते हैं सबस्ट्रेटम उस पे चिपका है। तो सब पर चिपका रहता है समझो इस बात को तो राइजोइड्स की मदद से जो राइज की मदद से ये पर चिपका रहता है किसकी बात कर रहे हैं थैलस की तो ये कैसा थैलस है ये थैलस फ्लैट थैलस है फ्लैट क्लोजली अप्रेस्ड चिपका हुआ किससे अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम किससे सब स्ट्रेटम से चिपका हुआ थैलस है सही है सर ठीक है इनमें क्या होगा राइजोइड्स होंगे राइजोइड्स क्या होते हैं बेटा रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनके राइजोइड्स प्रेजेंट होंगे लोअर सरफेस पे सही है अब जरा ध्यान से देखते चलो जो जो पॉइंट्स में बताता चल रहा हूं मैं आपको क्या क्या पॉइंट्स बता रहा हूं देखो जैसे ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने बनाया है मार्केशिया का तो मार्केशिया का ये जो थैलस मैंने ये क्या बनाया ये गेमेटोफाइट बनाया सर ये बातें आपको याद करनी है हमें तुझे क्या याद करना मैं आगे आ, आ रहा हूं तुझे सिर्फ ये समझना है कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है उसका थैलस या तो लीफ वाला होता है ऐसे जो पीछे बनाया था ऐसा थैलस होता है गेमेटोफाइट तो ये मेरे पास क्या कहलाते हैं मॉस कहलाते हैं ठीक है मॉस ठीक है, है ऐसा थैलस होगा फ्लैट थेलस ऐसा होता है मार्केशिया का इसके ऊपर ये कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसे जामा कप कहते हैं इस पर ये बड होती है इन्हें जामा बड कहते हैं मतलब क्या हुआ मार्केशिया के थैलस पर एक मल्टी सेलूलर बर्ड होती है जिससे नया थैलस बन सकता है उसे जामा बड कहते हैं अब जैसे ये है इसे हम गेमेटोफाइट कह रहे हैं गेमेटोफाइट का मतलब इसको गैमेट बनाना चाहिए तो क्या यह गैमेट डायरेक्ट बनाएगा नहीं गेमेटोफाइट के अपर सरफेस पर यह एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसे आर्कीगोनियम कहते हैं आर्कीगोनियम फीमेल स्ट्रक्चर होता है सर आप थोड़ा हैप नहीं बता बता रहे हो बेटा मैं एक बार फिर सीक्वेंस ले रहा हूं आर्कीगोनियम कैसा होता है फ्लास्क शेप होता है आर्कीगोनियम है कि है सर है क्यों क्योंड है क्योंकि गैमेटो पर डेवलप है तो आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है फ्लास्क शेप उस पर एक सिंगल गैमेट होता है जिसे एग्सेल कहते हैं मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है एंथ्रीडियम है एंथ्रीडियम से जो मेल गैमेट बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं एंथीरोइड

उन्हें हम क्या बोलते हैं जामा बड़ जामा बड़ किस में मदद करती ए में। सही है अगर मुझे कहते है कि में स्ट्रक्चर अपने आप बनेंगे? नहीं उसके लिए सेक्स फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्गोनियम उसमें क्या बनेगा सिंगल एक्सेल ये क्या है मेल सेक्स ऑर्गन उसपे फ्लैजिला वाले सेल्स बने फ्लैजिला इसका मतलब एंथ्रोजॉइड को पानी की जरूरत होगी इसे हम क्या बोलेंगे ये गैमेट है मेल गैमेट है तो मेल गैमेट का नाम एंथ्रोजॉइड और आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन है अब थोड़ा सा अब क्या सीक्वेंस पकड़ेंगे अब जरा सा आते हैं सीक्वेंस में फिर रिपीट करता हूं ब्रायोफाइट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक लिवर वर्ड्स होते हैं लीवर की डिजीज ठीक करने में यूज होते थे एक होते मॉस तो पहले हम लिवर वर्ड के बारे में पढ़ेंगे फिर मॉस के बारे में फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे पर अभी तक आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि ब्रायोफाइट प्लांट है क्योंकि उनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है उनका स्ट्रक्चर भी थैलस होता है जिनका स्ट्रक्चर थैलस होता है उनमें फ्रेगमेंटेशन हो सकती है तो क्या ब्रायोफाइट में फ्रेगमेंटेशन होगी हाँ होनी चाहिए दूसरा उनमें फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्किगोनियम है मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है मल्टी सेलुलर है यस गैमेट सिंगल सेल का होता है तो एग सेल और एंथ्रोजॉइड सिंगल सेल है क्या यह हैप्लोइड है कि डिप्लॉइड है हैप्लोइड आ रही है समझ जल्दी बोलो यहां तक समझ में आ रही है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फास्ट यहां तक समझ में आ रही है चलिए सर आगे जरा सीक्वेंस पकड़ते हैं आ जाओ ध्यान से देख बेटा सबसे पहले मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊंगा जरा कंपेयर करके चलियो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिवर वर्ड की हैबिटाट की असल में लिवर वर्ड को ज्यादा शेड चाहिए तो कई बार ये डीप वुड में होते हैं लकड़ी छाल पे बार्क ऑफ ट्री है ना यहां ऐसी जगह पर मिल जाते हैं मॉस मुझे कहां मिलेंगे मतलब मॉस मुझे कहां मिलेंगे जहां मॉइस होती है जहां थोड़ी सी रेन होती है सही है सर लिवर वर्ड का जो थैलस है स्ट्रक्चर देखना थेलस। वो थेलस ऐसा दिखता है आपको इस तरीके का ऐसा फ्लैट थैलस होता है ऐसा ठीक है और अगर लीफ भी होगी ना तो लीफ ऐसे दो रो में होती है तो अगर ये लीफ लगी हुई है तो लीफ किसमें दो रो में लीफ है पर वैसे कैसा होता? Horizontal. Horizontal पे जो मेरे पास राइजोइड्स होते हैं राइजोइड्स राइजोइड्स कैसे लगे रहते हैं यूनिसेलुलर लगे रहते हैं ठीक है सर राइजोइड्स कैसे क्या होता है रूट की तरह काम करता है तो रूट की तरह सपोर्ट देता है। नहीं पानी और मिनरल करता है हैप्लोइड होंगे क्लियर है 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 अब इधर हम पर बात कर रहे हैं मॉस मॉस की मौस में मेरे पास जो थैलस होता है, वो लीफी स्टेज कहलाता ऐसे। उस पर इस तरीके से क्या लगी रहती मल्टी सेलूलर -like अच्छा आप जरा सोच के बताओ ये जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं ये क्या है गेमेटोफाइट है तो मॉस में जो गेमेटोफाइट होता है उस उसमें लीफ होती है इसलिए उसको क्या बोलते हैं लीफी स्टेज कहते हैं सही है सर तो लीफी स्टेज क्या है गेमेटोफाइट है किसका मॉस का मॉस के गेमेटोफाइट को लीफी स्टेज कहते हैं उस पर जो लीफ होती है वो स्पाइरल होती है लेकिन अगर मैंने लीवर वर्ट में लीफी स्टेज बनाई है तो लीफ कैसे लगी है दो रो में लगी है यहां तक समझ में आ रहा है यहां राइजोइड्स यूनिसेलुलर है यहां राइजोइड्स कैसा है मल्टी सेलुलर है क्लियर है जल्दी बताओ क्लियर है अरे जल्दी बता दो क्लियर है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी हां यहां तक क्लियर है ठीक है सर और बताते हैं इनमें फ्रेगमेंटेशन होगी बताओ भाई थैलस है हाँ सर थैलस है एलगी में भी था फ्रेगमेंटेशन होगी यस इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी यस फ्रेगमेंटेशन दोनों में होगी ठीक है सर उसमें क्या होगा सर जामा कप होंगे जामा कप होंगे सर जूसफोर होगा जूसपोर पानी वाले प्लांट में होता है एलगी में होता है इसमें जूसपोर नहीं होते जामा कप होंगे जिसमें क्या बनेगी जामा बड बनेगी जामा बड कैसी होती है बता बेटा मल्टी सेलुलर होती है ग्रीन होती है सही है सर इसमें बताओ जरा इसमें बताओ इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बडिंग इन प्रोटोनिमा उससे मेरे पास क्या होगी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होगी बटिंग इन प्रोटोनिमा तो ये मेरे पास दोनों क्या हो गए, गए। तो साइकिल देख रहे यहां तक याद हो गया? सबसे पहले क्या लीफी स्टेज होती है लीवर वर्ट में हो सकती है दो रो में लीफ यहां लीफ कैसी होंगी स्पाइरल गोल बन जाएगा ठीक है इसके राइजोइड्स मल्टी सेलर इसके कितने होंगे लिवर वर्ट के यूनिसेलर होंगे इसका एग्जाम्पल क्या याद करोगे सिर्फ मार्किशिया याद करो इसका एग्जाम्पल क्या याद करोगे तीन स्वेगनम याद लिखवाए मैंने पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम और मैंने क्या लिखा है फ्यूनेरिया लिखा है कि नहीं जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा हां सही है सर आज आप लाइफ साइकिल की बात करते हैं लिवरवर्ड की लाइफ साइकिल देखो मेरे तरह साथ जल्दी से लाइफ साइकिल देखो देखो इधर बेटा लिवर वर्ट में मेन प्लांट बॉडी ये है ये क्या है बेटा ये ये गैमेटोफाइट है अगर गैमेटोफाइट पे आर की गोनियम बन रहा है तो उसे बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, सही है सर ये मेल गैमेटोफाइट है इस पर एंथ्रीडियम बन रहा है उसे हमने क्या बोला मेल गैमेटोफाइट इस पर क्या बन रहा है यह एंथ्रीडियम बन रहा है इससे मेरे पास ये एंथ्रोजोइड बना मेल गैमेट मेल गैमेट पानी से गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई पानी से मैं रिपीट कर रहा हूं ऐसा गैमेटोफाइट जिस जिसपे आर्गोनियम बनेगा उसे फीमेल गैमेटोफाइट बोला ऐसा गैमेटोफाइट जिस पे बना ये वाला तो उसको क्या नाम दे दिया मेल गैमेटोफाइट अब इस मेल गैमेटोफाइट पर यहां से मेरे पास मेल गैमेट निकले और जाकर उसने किसको फर्टिलाइज किया इसको आर्किगोनियम को किसको फर्टिलाइज किया आर्किगोनियम को फर्टिलाइज किया यहां तक समझ में आ रहा है आर्कीगोनियम को फर्टिलाइज कर दिया सोच लो इसे अब मेरी बात बताओ आर्कीगोनियम के अंदर यहां ये यह पहले तो मुझे बताओ आर्कीगोनियम किस पे होगा सर ये फीमेल गैमेटोफाइट है अब जरा सोच के बताओ फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लोइड है कि डिप्लोइड है सर फीमेल गैमेटोफाइट डिप्लोइड है ये क्या बन गया सर zygote बन गया zygote डिप्लोइड होता है हां सर zygote जो बना है इसकी माइटोसिस कर दो माइटोसिस इन जाइगोट तो जो ये स्ट्रक्चर बना ये एक मल्टी स्पोरोफाइट बन गया क्या बन गया मल्टी क्या बन गया स्पोरोफाइट बन गया मेरी बात समझ में आ रही है ये जो जाइगोट बना है ये ये जाइगोट डिप्लॉइड है इस जाइगोट की हमने क्या करी है माइटोसिस उससे मेरे पास मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बना है ये जो चीज है इसको हमने कैप्सूल कह दिया इसको हमने फुट कह दिया और इसको मैंने मान लो सीटा कह दिया तो मैंने आपको क्या सिखाया मैंने सिखाया माइटोसिस आर्कीगोनियम आर्कीगोनियम से मल्टी सेलूलर स्पोरोट बन गया फुट सीटा और कैप्सूल फुट की मदद से यह न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा अब मैं आपसे यह सवाल जानना चाह रहा हूं यह स्पोरोफाइट ग्रीन है कि नॉन ग्रीन है सर नॉन ग्रीन है नॉन ग्रीन है तो कैसा होगा डिपेंड होगा जो हरा नहीं होता वो दूसरे पे डिपेंड होता है जो हरा नहीं है वो दूसरे पे निर्भर है ठीक है आज देखो ये कैप्सूल के अंदर इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगी इनसाइड कैप्सूल क्या होगी मियोसिस और क्या बन गए स्पोर फॉर्म बन गए यहां पर ये हैप्लोइड क्या बन गए स्पोर बन गए तो फिर से देखेंगे दिस इज गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट पर यह आर्किगोनियम था इसमें एग्सेल था इज मेल गैमेटोफाइट, दिस वन से एंथ्रोजॉइड बना जिसपे फ्लैजिला था पानी से आर्गोनियम के अंदर गया यहां जाइगोट बना गैमेटोफाइट के ऊपर इस ने मल्टी सेलर स्पोरोना है जो नॉन ग्रीन था वो किससे खाना लेता था गैमेटोफाइट से इसका मतलब स्पोरोफाइट डिपेंड है गेमेटोफाइट पे तो इसमें फ्री लिविंग कौन है गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है स्पोरोपेंड है कैप्सूल के अंदर म्योसिस से स्पोर बने और वो स्पोर है

अब जो मैं सवाल पूछूंगा चैट में आंसर चाहिए मुझे जामा कप में होते हैं फ्यूनेरिया स्पेगनम पॉलिट्राइकम मार्केशिया में होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मार्केशिया में जामा बड यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर याद हो जाएगा ऐसे जामा बड यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सर मल्टी सेलुलर ग्रीन है नॉन ग्रीन है ये बता चैट में जल्दी से बता जल्दी बता बेटा ग्रीन है नॉन ग्रीन है सर नॉन ग्रीन है में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है सर बडिंग इन प्रोटोनिमा कैसे होगी बडिंग इन प्रोटोनिमा अब बेहतर से ये कह रहा हूं बेटा कि जो जाइगोट है जाएगोट की हमने माइटोसिस से स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सूल ये तीनों हैप्लोइड डिप्लॉइड है कैप्सूल हैप्लोइड सर दिप्लोग है किसके अंदर मियोसिस हो रही है कैप्सूल के अंदर मियोसिस क्या बनाती है स्पोर बनाती है स्पोर की क्या होती है माइटोसिस होती है क्या बनते हैं गेमेटोफाइट बनते हैं आ रहा समझ जल्दी बोलो जल्दी जल्दी आ रहा समझ नहीं आ रहा जल्दी जल्दी बेटा नॉन ग्रीन नहीं होता है जामा बड ग्रीन होता है स्पोरोफाइट कैसा है नॉन ग्रीन है हां सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया शानदार शानदार आगे आ जाओ अब जरा बात कर लेते हैं मॉस में मॉस में यह स्ट्रक्चर गेमेटोफाइट है दिस इज गेमेटोफाइट इस गेमेटोफाइट पर ये लीफ लगी हुई है ऐसे तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं लीफी लीफी स्टेज स्टेज क्या नाम देते हैं लीफी स्टेज। अब हमने कहा है कि ये गेमेटोफाइट है तो कैसा होगा एन होगा मॉस के बारे में बता रहा हूं ये लीफी स्टेज है इस लीफी स्टेज की इस ब्रांच के टिप पर टिप का मतलब आखिरी हिस्सा एपेक्स एपेक्स वर्ड लिखा हुआ टिप पर आर्किगोनियम बन गया दूसरी ब्रांच में या दूसरे मॉस पर ये क्या बन गया एंथ्रीडियम बन गया सही है सर अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं भी क्यों? क्योंकि ये किस पर बना है, गेमेटोफाइट पर बना है। इस गेमेटोफाइट का क्या नाम है, सर जी? इसका नाम लीफी स्टेज है। इस पर राइज कैसे होंगे मल्टी सेल होंगे तो यह आर्कीगोनियम बन गया, गया, गया। इससे मेल गैमेट इसके अंदर चला गया सही है सर जब मेल गैमेट इसके अंदर गया तो क्या बन गया यहां पर बताओ सर यहां बन गया जाइगोट क्या बन गया जाइगोट बन गया जाइगोट कैसा है सर जाइगोट तो डिप्लॉइड है अब जाइगोट की माइटोसिस हुई माइटोसिस से ये बन गया स्पोरोफाइट सर ये तो पिछले जैसा ही बिल्कुल है ये कैप्सूल है ये सीटा है मान लो और ये फुट है अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर क्या है गैमेटोफाइट तो इस गैमेटोफाइट पर ध्यान देंगे इस गेमेटोफाइट पर इस पर ये स्पोरोफाइट लिखा हुआ है एनसीआरटी कहती है कि ये स्पोरोफाइट छोटा होता है इसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबरेट होता है किसका मॉस का मॉस का? का स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड है वो किसके ऊपर डिपेंड है हैप्लोइड के मॉस का स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबरेट होता है अब इसमें मियोसिस हुई है किसमें कैप्सूल में यहां तक बिल्कुल सेम है कैप्सूल में मियोसिस होके क्या बने हैं स्पोर लीवरवर्ट में ये डायरेक्टली ऐसे गेमेटोफाइट बना रहा था लिवर वर्ट में पर मॉस में क्या होता है क्या होता है फिर रिपीट कर रहा हूं दिस इज लीफी स्टेज आर्कीगोनियम पे जाइगोटोट जाइगोट से स्पोरोफाइट ये गेमेटोफाइट है स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर क्या बने हैं स्पोर ये जो स्पोर है इसकी स्पोर से मैं डायरेक्टली लीफी स्टेज नहीं बना रहा मैं ये वाला काम नहीं कर रहा स्पोर से एक स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा या प्रोटोनिमा मान लो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं अब यह जो प्रोटोनिमा होता है यह कैसा होता है ग्रीन होता है पिलामेंटस होता है मतलब थैलस जैसा होता है ठीक है अब यह जो चीज बनी है इसे कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर ये साइड में एक बड बनती है जैसे मान लो ये एक प्रोटोनीमा है इस पर एक दो तीन चार ऐसी बहुत सारी बड बन गई हर एक बड से एक लीफी स्टेज इस बड से यह लीफी ऐसे बहुत सारी लीफी स्टेज बन सकती है तो किसी एक चीज से अगर बहुत सारी चीजें बन सकती हो तो ए सेक्शुअल रिपोडक्शन भी तो है यह पूरी लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रही है जहां पर जो लेटरल बड है इस लेटरल होगी हेप्लॉयडोगी होगी सर हैप्लोइड होगी इस लेटरल बड से लीफी स्टेज बन रही है पर क्या एक प्रोटोनिमा पर एक लेटरल बड होती है नहीं सर चालीस पचास सौ हो सकती है तो इसका मतलब सौ लीफी स्टेज बन सकते हैं तो बडिंग इन प्रोटोनिमा एक तरह का रिप्रोडक्शन है तो आपने क्या सीखा स्पोर ने डायरेक्टली लीफी स्टेज नहीं बनाया स्पोर ने बनाया प्रोटोनिमा प्राइमरी फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा उसके साइड में बनी खूब सारी लेटरल बड हर एक लेटरल बड से एक लीफी स्टेज बन सकती है तो आपको समझना पड़ेगा कि स्पोर है प्रोटोनिमा है माइटोसिस से बनेगा स्पोर के और फिर लेटरल बड भी क्या है है है, है, है और उससे लीफी स्टेज है, है, है। क्या यहां तक समझ में आ गई अरे यहां तक समझ में आ गई जल्दी बताओ चैटे कर दो चैटे कर दो जल्दी बता दो क्या यहां तक समझ में आ गई मॉस फिर रिपीट करेंगे मॉस और लिवर वर्ड में डिफरेंस बताइए लिवर वर्ड का राइजोइड्स यूनिसेलुलर मॉस का राइजोइड्स मल्टी सेल्युलर लिवर वर्ड में लीफ दो रो में मॉस में लीफ स्पायरल होती है उसके बाद मॉस का जो क्या होता है मॉस का स्पोरोफाइट ये ज्यादा इलाबरेट होता है किसके कंपैरिजन में लिवरवर्ट में मॉस में जो स्पोर है ये इससे निकलने के लिए एक स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है मतलब क्या हुआ स्पोर के उड़के जाने का पूरा एक मैकेनिज्म होता है मॉस में लिवरवर्ट में ऐसा मैकेनिज्म नहीं है अलग तरीके का अब ये जो स्पोर है ये डायरेक्टली क्या नहीं बनाता ये डायरेक्टली गेमिटोफाइड नहीं बनाता ये बनाता है क्या प्रोटोनिमा क्या ये डिफरेंसेस आ गए जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी फास्ट ये डिफरेंसेस आ गए तीन चार डिफरेंसेस हैं। प्रोटोनिमा किसमें बनता है अच्छा आ, कौन सी ब्रांच पर एंथ्रीडियल ब्रांच पे एंथ्रीडियम आर्कीगोनियल ब्रांच पे आर्कीगोनियम कहां बनता है एपेक्स ऑफ ब्रांच पे क्या यहां तक समझ में आ गया नहीं बेटा मैं चिड़ा चिड़ा नहीं हूं मैं कुछ दिन से थका हुआ हूं काफ़ी काम कर रहा हूं हूँ इसमें चिड़ा नहीं हूं आप में से मुझे बताना जो कभी कई बार टेलीग्राम पे वैसे ही बात करते हैं मैं हमेशा से वैसे ही बात करता हूं नॉर्मल तरीके से मैं ऐसा कभी बच्चों से चिड़ता नहीं हूं वो मेरी हैबिट भी नहीं है मैं डांट दूंगा अगर तुम डाउट में पूछोगे वट इज टिश्यू वट इज़ बायोलॉजी पूछोगे तो मुझे गुस्सा आएगा ना मैं आपसे चिड़ नहीं सकता बच्चे वेब वर्जन लाएंगे बच्चे स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म मतलब स्पोर उड़के जाने का मैकेनिज्म थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हैं लेस इकोनॉमिक मोर इकोलॉजिकल ज्यादा क्या है इकोलॉजिकल है सही है सर पीट मॉस फैगनम को कहते हैं कैसे यूज होगा फ्यूल उसके अलावा ट्रांसशिपमेंट ऑफ ट्रांसशिप देखो मॉस क्या करता है पानी होल्ड कर सकता है तो जिंदा चीज को ट्रांसशिपमेंट करने के लिए लिविंग मटेरियल के लिए क्या यूज करते हैं मॉस उसके अलावा ये सॉइल इरोजन मैट की तरह काम करता है है ना सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है फूड होता है हर्बेशियस मैमल और बर्ड के लिए तो आपको क्या याद करना है पीट मॉस जिसे स्पेगनम कहते हैं उसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है इसलिए किसी लिविंग चीज के आसपास उसको लगा देते हैं ट्रांसपोर्ट दूर तक करना सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करते हैं मैट की तरह चटाई की तरह काम करेगा बारिश का उस पर इफेक्ट कम आता है हर्बेशियस मैमल और बर्ड के लिए खाने का एक फॉर्म होता है क्लियर है जल्दी बताओ बेटा हाँ एज अ फ्यूल यूज करते हैं पीट मॉस को है ना पीट को एज अ फ्यूल ठीक है आगे आओ जल्दी से जरा डिफरेंसेस याद हो गए तुम्हें देख लें एक बार यूनिसेलुलर राइट मल्टी सेलुलर सही है सर और बताओ और बताओ और बताओ जल्दी से और सोचो यहां पर स्पोर से गेमेटोफाइट यहां पर स्पोर से प्रोटोनिमा फिर लीफी स्टेज इसमें जामा कप होगा हो जाता है जामा कप मार्केशिया में इसमें नहीं है इसमें स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म नहीं है कोई स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म इसमें नहीं है इसमें इसमें क्या है बेटा लेस इलेबोरेट गेमेटोफाइट सॉरी स्पोरोफाइट लेस इलेबोरेट स्पोरोफाइट इसमें कैसा है मोर इलेबोरेट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन करें आ जाओ क्वेश्चन करते हैं देखें आपको कितना आता है आ जाओ फिफ्टीन क्वेश्चन करेंगे चलो स्टार्ट हो जाओ सवालों का जवाब दो मेरे सवालों का हाँ जवाब दो चलो दो ना सर गाना गा रहे हो नहीं बेटा हम सच बोलते हैं गाने लोगों को लगते हैं आ जाओ क्वेश्चन का जवाब दो भाई यूनिसेलुलर राइजॉइड आर प्रेजेंट इन बताओ जल्दी से यूनिसेलुलर राइजॉइड्स आर प्रेजेंट इन जल्दी करो फिफ्टींथ जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी फास्ट बेटा जल्दी से करो आंसर करो जल्दी बेटा फास्ट मार्केशिया ठीक है सिक्सटींथ आ जाओ सिक्सटीन सिक्सटींथ सिक्सटींथ पीट मॉस नॉट शो मल्टी सेलूलर लीफी है इसका भी जामाबर्ड आएगा जामाबर्ड पीट मॉस पे नहीं हो सकती डिपेंडेंट गेमेटोफाइट प्रेजेंट इन देखो भाई मार्केशिया फिनेरिया और स्पाइरोना ये सारे हेप्लॉइड प्लांट हैं प्लॉइड प्लांट में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है इसलिए आंसर नन आएगा ये सारे हेप्लॉइड प्लांट हैं तो इनमें क्या होगा गेमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा जल्दी करो जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फास्ट बेटा फास्ट जल्दी करेंगे जल्दी जल्दी एटींथ क्वेश्चन देखो ट्रू फॉर मार्केशिया यूनिसेक् में क्या होता है गेमेटोफाइट पे आर्कीोनियम और एंथ्रीडियम अलग अलग पे बनते हैं तो ये ठीक लग रहा है डिपेंडेंट स्पोरोफाइट सही है प्लांट नॉट ट्रू होना चाहिए क्वेश्चन ठीक करो नॉट ट्रू फॉर मार्केशिया मार्केशिया होगा मेरी बात सुन लो ध्यान से मार्केशिया में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट अलग अलग होता है इसलिए कहेंगे यूनिसेक्सुअल गेमेटोफाइट दूसरा डिपेंडेंट स्पोरोफाइट होगा प्लांट हैप्लॉइड है क्योंकि ब्रायोफाइट है और हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है इसलिए आंसर आएगा हेप्लॉन्टिक समझ में आ रहा है जल्दी बताओ जल्दी जल्दी हां एटींथ का बेटा डी आएगा ब्रायोफाइट हेप्लॉइड प्लांट होते हैं सही है चलिए अब आ जाते हैं टेरिडोफाइट में अभी तक आपसे क्या पढ़ा चुका हूं सुने ध्यान से मैं आपको यह पढ़ा चुका हूं कि एलगी और ब्रायोफाइट में थैलस था वेल डेवलप रूट स्टेम लीफ नहीं बना क्या उसमें वास्कुलर बंडल बने नहीं ये चीज समझ में आ रही है ऐसा नहीं हुआ कि उनमें वास्कुलर बंडल बने क्लियर क्लियर है बता बता। है यहां यहां तक तक जल्दी बताओ बेटा अब हम आ जाते टेरिडो फाइट पर टेरिडो पहले ऐसे प्लांट थे जो लैंड पर आए टेरिडो के साथ दो दिक्कत थी पहला उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए दूसरा वो शेडी में ग्रो करते हैं इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं मिलता एनसीआरटी लिखती है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो ज्यादा जगह नहीं मिलते टेरिडो पहले प्रॉपर लैंड प्लांट थे जिनके अंदर ट्रू रूट स्टैम लीफ था अगर आपको पता है एलगी और ब्रायोफाइट में डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या है सर गेमेटोफाइट टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें डोमिनेंट प्लांट बॉडी क्या थी स्पोरोफाइट थी तो सबसे पहले अगर मैं हैबिटाट की बात करूं तो ये मेरे पास शेडी प्लेस में मिल जाएंगे ठीक है शेडी प्लेस में मिल सकते हैं ये एज अ सॉइल बाइंडर हो सकते हैं इनका कुछ मेडिसिनल यूज है कैसा है मेडिसिनल यूज है कुछ ऑर्नामेंटल सजाने के काम आते हैं जैसे फर्न फर्न जो है सजाने के काम आते हैं इनमें मेरे पास दो बड़े ग्रुप है एक फर्न है और दूसरा है, हौर्स टेल। हौर्स टेल किसको कहते है? आपके दिमाग में यह बैठना चाहिए कि टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे लैंड पर आए टेरिडोफाइट पहले ऐसे प्लांट थे सॉरी लैंड पर आए पहले ऐसे प्लांट थे जिनमें मेन प्लांट बॉडी थी मेन प्लांट बॉडी क्या थी स्पोरोफाइट थी इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट है ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट पे ध्यान दे ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट होता है किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट की मैं रिपीट करता हूं टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है ये पहले ऐसे प्लांट थे जिसमें ट्रू रूट स्टेम लीव था पिछले वाले में नहीं था पिछले वाले में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट थी स्पोरोफाइट डिपेंड था ठीक है इसका मतलब इनका स्पोरोफाइट ग्रीन होगा मेन प्लांट होगा फर्स्ट टाइम जाइलम और फ्लोएम बना जाइलम और फ्लोएम फर्स्ट टाइम किसमें बना टेरिडोफाइट में बना ठीक है अब क्या है बेटा अगर आपसे कोई पूछे टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है लिमिटेड होता है लिमिटेड का मतलब कम जगह मिलते हैं ठीक है उसका रीजन क्या है रीजन क्या है बेटा उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए तो पानी के आसपास मिलेंगे फर्टिलाइजेशन रिक्वायर वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए दूसरी चीज क्या है बेटा ध्यान सुनेंगे फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें क्या चाहिए पानी चाहिए ठीक है फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए उन्हें पानी चाहिए दूसरी चीज क्या है दूसरी चीज क्या है आपको यहां पे समझना पड़ेगा पहली चीज हमने लिखी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा यहां पर कि हमारे पास कि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए दूसरा क्या है बेटा वो शेड में ग्रो करते हैं शेड में ग्रो करता है क्या उनका गेमेटोफाइट सर यह ठीक है तो आपने क्या क्या पॉइंट याद किया टेरिडोफाइट है, है, प्लांट है डिप्लॉइड प्लांट है यह कैसे पता चलेगा अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है तो टेरिडोफाइट कैसे प्लांट हो गए टू एन प्लांट हो गए सही है उनमें फर्स्ट टाइम जाइलम फ्लोएम आया था ठीक है ट्रू रूट लीफ प्रेजेंट होती है अब जैसे मान लो ये मेरे पास एक टेरिडोफाइट बना है है जिसका नाम है। तो स्लैजीनेला में ये छोटे साइज की लीफ है इसे कहेंगे माइक्रोफिल अब जैसे ये फर्न बना हुआ है फर्न फर्न में ये बड़े साइज की लीफ है इसको क्या बोलेंगे मैक्रोफिल बोलेंगे ठीक है क्या बोलेंगे मैक्रोफिल अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यह स्लैजनेला का स्पोरोफाइट है कैमेटोफाइट है यह बता बेटा सर यह हमें कैसे पता यह मेन प्लांट बनाया मैंने तो क्या बनाया होगा स्पोरोफाइट क्या बनाया होगा स्पोरोफाइट बनाया होगा यहां तक समझ में आ रही है जल्दी बताओ यहां, यहां तक समझ में आ रही है जल्दी जल्दी बताओ बेटा बेटा जल्दी बताओ यहां तक समझ में आ रही है जल्दी जल्दी फास्ट यहां तक क्लियर है आगे आ जाओ आगे आओ अब हम क्या देखते हैं बेटा ध्यान से सुनना हम क्या देखते हैं जैसे मान लो मैंने सलेजिनेला बनाया उसमें छोटी लीफ को हम क्या बोलते हैं माइक्रोफिल तो एक मेरे पास लीफ होती है माइक्रोफिल और एक बड़ी लीफ को हम क्या बोलते हैं मैक्रोफिल मैक्रोफिल किसमें मिलती है फर्न में मिलती है, है. माइक्रोफिल किसमें मिल रही है सलेजिनेला में और ये सब कैसी लीफ है ग्रीन लीफ है तो ग्रीन लीफ क्या करेंगी फोटोसिंथेसिस करेंगे क्या यहां तक कोई डाउट है अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि माइक्रोफिल और मैक्रोफिल हैप्लोइड है 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 सर ये है। हमें कैसे पता चला क्योंकि ये किस पे होगा होगा स्पोरोफाइट पर होगा। अब आप में से सभी बच्चों को यह समझना पड़ेगा ध्यान सुनेंगे बेटा आप में से सभी बच्चों को यह समझना पड़ेगा कि हम ये कह रहे हैं कि टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है इसका मतलब उसे कहीं ना कहीं स्पोर बनाना चाहिए स्पोर वो बनाएगा कहां अपने दिमाग पे जोर डालो हमने कहा कि टेरिडोफाइट की, की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है उनमें लीफ होगा स्टैम होगा रूट होगा इस बात में कोई डाउट है तुम्हें उनमें लीफ होगा स्टैम होगा रूट होगा इस बात में कोई डाउट तो नहीं है नहीं सर इस बात में कोई डाउट नहीं है अब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि उस स्टैम रूट और लीफ में स्पोर्स बनेंगे कहां हम यहां पर यह समझते हैं कि जैसे मैंने ये फर्न बना दिया ये फर्न की लीफ है तो फर्न की यह नॉर्मल लीफ है इनमें से कुछ लीफ ऐसी होती हैं ये लीफ स्पेशल टाइप की लीफ है जिसके नीचे ये स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं तो अगर ये देखो ये मेन प्लांट है तो सर मेन प्लांट कैसा होता है मेन प्लांट डिप्लॉइड है क्या बोलोगे स्पोरोफाइट बोलोगे क्या डाउट है नहीं सर अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्पोरेंजिया बना है तो ये स्पोरेंजिया एक खास तरह की लीफ पे बनेगा जिसे स्पोरोफिल बोलेंगे फिर से समझेंगे देखें बेटा मान लो मेन प्लांट है जिसे हम स्पोरोफाइट कह रहे हैं इसमें लीफ हो सकता है स्टेम हो सकता है रूट हो सकता है लीफ में एक खास तरह की लीफ होती है जिसे हम नाम देते हैं स्पोरोफिल क्या नाम देते हैं स्पोरोफिल तो स्पोरोफिल क्या हो गई डिप्लॉयड हो गई उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं स्पोरेंजिया बोलते हैं क्या यह समझ में आ रहा है क्या यह समझ में आ रहा है जल्दी बताओ तो बेटा क्या ये समझ में आ रहा है जल्दी बताओ क्या ये समझ में आ रहा है हाँ बिल्कुल आ रहा है तो हमने क्या समझा ये मेन प्लांट है इसमें नॉर्मल लीव भी है खास तरह की लीव को स्पोरोफिल कह रहे है. इस पर एक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया जो खुद डिप्लॉयड है इसमें म्योसिस से स्पोर बनेंगे म्योसिस से क्या बनेंगे स्पोर बनेंगे क्या इतनी चीज समझ में आई जल्दी जल्दी बताओ फास्ट अब जरा आगे आ जाओ आगे आओ जल्दी से आओ बेटा अब मैंने क्या करा मैंने ये देखा कि एक प्लांट है ये स्लेजी नेला ठीक है उस पर मैंने क्या किया ये भी स्पोरोफाइट है उस पर मैंने एक ऐसी ब्रांच बना दी और उस पर काफी सारी स्पोरोफिल एक साथ लगा दी काफी सारी स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया एक साथ लगा दिए ना वट इज स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया वो गोल सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें मियोसिस से स्पोर बनेंगे पिछले वाले ग्रुप में स्पोर कहां बने थे सर कैप्सूल में उससे पिछले में जाइगोट में याद आ रहा है एलगी में कहा बने थे जाइगोट की मियोसिस से उसके बाद ब्रायोफाइट में कैप्सूल में टेरिडोफाइट में कहा बनते हैं स्पोरेंजिया में स्पोरेंजिया किस पे लगा रहता है स्पोरोफिल पे फिर हमने ये देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिस पे खूब सारी स्पोरोफिल लगी हो और खूब सारे स्पोरेंजिया हो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कौन बोलते हैं तो कौन समझ में आया क्या होता है वट इज कौन वट इज कौन वाला कौन नहीं कोट का क्या मतलब होता है कौन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें काफी सारी स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, और काफी सारे स्पोरेंजिया होते हैं तो व्हाट इज़ काफी सारी स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजिया टुगेदर फॉर्म कौन कौन का एक और नाम है स्ट्रोबाइलस क्या बोलेंगे strobilis. आ गया समझ में कौन कहां, -कहां होगा Slaginela में कौन होता है आपकी एनसीआर कहती है और इक्विसिटम में होता है तो क्या मैं एक बार रिपीट कर दूं जो बातें मैंने बोली जल्दी बताओ जल्दी 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 बताओ मैं क्या एक बार रिपीट कर दूं हां सर रिपीट कर दो फिर से सबसे पहले टेरिडोफाइट कैसे प्लांट है सर प्लांट प्लांट मेन बॉडी स्पोरोफाइट ठीक है सही है ठीक है अच्छा उसमें ट्रू रूट स्टीम स्टैम लीफ होगा हाँ उसमें वास्कुरा बंडल होंगे रूट में स्टैम में, लीफ में तीनों में होंगे लीफ छोटी लीफ माइक्रोफिल बड़ी लीफ माइक्रोफिल खास तरह की लीफ जिसपे स्पोरेंजिया बनेगा स्पोरोफिल वो ऐसे भी लगा हो सकता है या एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना सकता है जिसे कौन कह रहे हैं कौन किस में होगा में क्या यहां तक समझ में आ गया अब आपको यह समझना है कि भाई मैं बात कर रहा हूं स्पोरोफाइट की स्पोरोफाइट का फर्ज होता है स्पोर बनाना टेरिडोफाइट में स्पोर कहां बन रहे हैं स्पोरेंजिया के अंदर अब मेरे को यह समझना पड़ेगा कि जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बने हैं वो किस तरह के बने हैं आप समझो स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर बने हैं वो किस तरह के बने हैं ये लेकर आपके पास दो तरह के टेरिडोफाइट होते हैं

स्पोरेंजिया के अंदर ध्यान दो ये स्पोरेंजिया है अगर इसके अंदर दो सेम साइज के सारे स्पोर बन रहे ये क्या है है स्पोरेंजिया कैसा होगा सर होगा और यहां पर क्या है स्पोर सेम साइज के है. सारे स्पोर कैसे बने सेम साइज के ऐसा क्या होता है टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं मोस्ट टेरिडोफाइट में क्या होता है सारे स्पोर सेम साइज के बनते कहते हैं होमोस्पोरस क्या बोलते हैं होमोस्पोरस अब आओ जरा हेट्रोस्पोरस का क्या मतलब है देखो मान लो मैंने ये कौन बना दिया कौन क्या है ये लीफ है स्पोरोफिल ऐसे इधर देखना यहां पर क्या बना हुआ है एक बड़ा स्पोरेंजिया यहां क्या है छोटा स्पोरेंजिया तो छोटे स्पोरेंजिया में छोटे स्पोर बनेंगे बड़े स्पोरेंजिया में बड़े स्पोर बनेंगे तो मेरे पास स्मॉल या कैसे स्पोर बन गए माइक्रोस्पोर और इसके अलावा कैसे स्पोर बन गए मेगा स्पोर बन गए या मैक्रोस्पोर बन गए तो जब दो छोटे और बड़े स्पोर बने इस वजह से हम क्या वर्ड यूज करते हैं हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस जो हमारे पास कंडीशन होती है वो तुम्हारे पास वैसे तो बहुत सारे टेरिडोफाइट हैं पर तुम्हारे सिलेबस में दो ही हैं स्लेजिनेला और साल्विनिया ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसमें कौन होगा वो सारे हेट्रोस्पोरस होंगे पर मैं ये बोल रहा हूं कि स्लेजिनेला में कौन होता है जिसमें बड़े छोटे स्पोरेंजिया और बड़े स्पोरेंजिया दोनों होते हैं छोटे स्पोरेंजिया में स्मॉल स्पोर बनते हैं और बड़े स्पोरेंजिया में लार्ज स्पोरेंजिया में हमारे पास क्या बनते हैं बड़े स्पोर बनते हैं लार्ज स्पोर बनते हैं तो अगर स्पोर का साइज छोटा और बड़ा हो तो ऐसे को कहेंगे हेट्रो और सेम हो होमो मैक्सिमम टेरिडोफाइट कैसे होते हैं होमोस्पोरस होते हैं हेट्रोस्पोरस में क्या याद करोगे स्लेजिनेला और सालवी यहां तक कोई डाउट है जल्दी बोलो यहां तक कोई डाउट है अरे बता दो चमकी है नहीं है अरे चैटे कर दो सही है छोटे साइज के स्पोर में रेंडम होता है कि कौन सा गैमेटोफाइट बनेगा बाइस मेल फीमेल लेकिन यहां फिक्स हो जाता है कि छोटा स्पोर हमेशा मेल गैमेटोफाइट बनाएगा बड़ा स्पोर हमेशा फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा आपने अपने लाइफ में यह बात समझनी है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट एक तैयारी थी सीड बनाने को लेकर इसका मतलब यह है कि आने वाले दोनों ग्रुप जिम्नो और एनजीओ वो भी हेट्रोस्पोरस होते हैं क्लियर है वो भी क्या होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं हाँ चमकीस कर लो बेटा एक बार फटाफट से ठीक है आगे चलते हैं तो हमारे पास हमने क्या लिखा है बेटा दो तरह के टेरिडोफाइट लिखे होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेडोफाइट का एग्जाम्पल सालविनला है दो साइज के अलग अलग स्पोर बनते हैं छोटा स्पोर मेल गैमेटोफाइट बनेगा और बड़ा स्पोर फीमेल गैमेटोफाइट आइए जरा होमोस्पोरस की लाइफ साइकिल देखते हैं सही है आप सबको पता है मेन प्लांट क्या है स्पोरोफाइट है तो मेन प्लांट कैसा होगा सर डिप्लॉइड होगा सही है अब इसमें मैंने क्या देखा ध्यान से देखना बेटा ये लीफ है जो इसी पर बनेगी जिसे स्पोरोफिल कहेंगे और ये स्ट्रक्चर क्या है स्पोरेंजिया इनसाइड स्पोरेंजिया ये मियोसिस से स्पोर बन गए स्पोर हेप्लॉइड है स्पोरेंजिया डिप्लॉइड है स्पोरोफिल डिप्लॉइड है तो फिर रिपीट कर रहा हूं ये मेन प्लांट है इस मेन प्लांट पे ध्यान देंगे इस मेन प्लांट पे जो मेरे पास स्पोरेंजिया है इस पे हमारे पास क्या बन गए स्पोर्स बन गए ध्यान देंगे बेटा क्या बन गए स्पोर्स बन गए ये जो स्पोर्स बने हैं ये जो स्पोर्स बने हैं किसके अंदर बने के अंदर सेम साइज के इसे हमने कहा होमोस्पोरस क्या बोला होमोस्पोरस ठीक है होमोस्पोरस मतलब ये क्या बन गए स्पोर स्पोर कैसे है सही है सर अब ये जो स्पोर बने हैं इस स्पोर की स्पोर कैसे है सर हैप्लॉइड है इसकी माइटोसिस करो और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या रखो गेमेटोफाइट रखो ये गेमेटोफाइट कैसा होगा एन पर ये बहुत छोटा है छोटे के लिए वर्ड यूज करेंगे इनकॉन्स्पीकुअस ये ग्रीन है प्री लिविंग है इसका एक नाम रख देते हैं प्रोथेलस क्या नाम रखेंगे प्रोथेलस तो आपने ये समझना है कि सेम साइज के स्पोर बने स्पोर की माइटोसिस से प्रोथेलस बना इस प्रोथेलस के ऊपर आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम बन सकते हैं और फिर आर्कीगोनियम के अंदर यहां क्या बन सकता है जाइगोट। जाइगोट है और फिर माइटोसिस होगी जाइगोट की और उससे मेरे पास क्या बन जाएगा ये ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फिर से देखेंगे हेट्रोहोमोस्पोरस टाइडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है जिसमें लीफ स्टेम रूट हो सकते हैं उस पे एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं देख बेटा जिसको हम क्या बोल सकते हैं स्पोरोफिल येरा ये स्पोरोफिल है इस पर ये स्ट्रक्चर को स्पोरेंजिया कह दिया उसके अंदर ये बने हैं स्पोर ये स्पोर मियोसिस से बने हैं सारे सेम साइज के होमोसपोरस ये होमोसपोरस स्पोर क्या बनाएंगे गेमेटोफाइट बनाएंगे गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट को हम क्या बोल रहे हैं प्रोथेलस इस गेमेटोफाइट पर ये आर्गोनियम है ये एंथ्रीडियम है क्लियर है बोलो क्लियर है कि नहीं अब मैंने ये बोला कि बन गया की माइटोसिस से डायरेक्टली ये बन गया अब जरा आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वट इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट मोस टेरिडोफाइट क्या स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट स्टेज दोनों ग्रीन है यस दोनों फ्री लिविंग है यस वाई मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए होगी इसका मतलब ये होगी तो अगर आपसे ये पूछे कोई कि लाइफ साइकिल क्या है क्योंकि ये भी सेलूलर है और ये भी मल्टी है पर मेन प्लांट बॉडीज पोरो मेन प्लांट है इसको शेड की छाया की जरूरत होती है इसका साइज छोटा होता है ठीक है इसे प्रोथेलस कहते हैं ये प्रोथेलस और ये दोनों फ्री लिविंग है तो अगर आपसे पूछा जाए एलगी एलगी में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट उस पर डिपेंड हो सकता है ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट फूड सीटा कैप्सुल उस पर डिपेंड था फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ नेचर में कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग हो गए क्या समझ में आ गया जल्दी बोलो बेटा क्या समझ में आ गया जल्दी बताओ क्या समझ में आ गया जल्दी बताओ बेटा जल्दी जल्दी बोलो हाँ भाई समझ में आ गया पानी पी लू क्या क्या पॉइंट याद करना है टेरिडोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट दोनों फ्री लिविंग है फर्स्ट टाइम गेमेटोफाइट छोटा होता है यस इनकॉन्स्पिक्यूस है यस शॉर्ट लिफ्ट है यस हैप्लोइड है यस ठीक है शेड चाहिए इसलिए ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होता है हेट्रोस्पोरस में क्या अलग होगा वो देख लेते हैं पीडीएफ मिलेगा हा मिलेगा क्लास खत्म होते ही मिलेगा ड्रॉपर बैच कब से आएगा बेटा बता दिया आपको ऑलरेडी ज्यादा बताऊंगा तो तुम कहोगे प्रमोशन कर रहा है ठीक है सिंपल सा लॉजिक है बेटा बैच में टीचर पढ़ाते हैं आप टीचरों से ही पढ़ते हैं ठीक है हाँ इसमें कोई वो नहीं है टीचर अपनी पर्सनल गाइडेंस पे जितनी मेहनत करता है वो एक तो उसे सैलरी मिलती है दूसरा वो खुद भी मेहनत करता है तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं यहां हूं तो मैं ज्यादा मेहनत करूंगा वहां रहूंगा तो कम करूंगा ये नेचर होता है आदमी का इसमें कोई ऐसा नहीं है हाँ ठीक है आ जाओ बेटा आ जाओ हेट्रोस्पोर स्ट्रेडोफाइड देख ले देख बेटा ये क्या है दिस इज स्लैजीला सही है सर स्लैजीनिला कैसा है डिप्लॉइड है हेट्रोस्पोरास है ये इसका क्या है कौन कौन समझ में आता है हां सर अब इस कौन में ये देख बेटा कौन है कौन कैसा होगा डिप्लॉइड क्योंकि किस पे प्रेजेंट है स्पोरोफाइट पे प्रेजेंट है इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बता तो स्पोरोफाइट जो है उस पर यह स्ट्रक्चर है कौन जो डिप्लॉयड है अब यह मेरे पास छोटा स्पोरेंजिया है स्मॉल स्पोरेंजिया है देख ध्यान से और ये वाला स्पोरेंजिया कैसा है लार्ज स्पोरेंजिया है ध्यान से देख बेटा तो ये जो छोटा स्पोरेंजिया है इसमें मेरे पास कैसे स्पोर बने छोटे स्पोर बने और स्मॉल स्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा क्या बनेगा मेल गेमेटोफाइट ध्यान से देख बेटा ये कैसा स्पोरेंजिया ये लार्ज है ये वाला कैसा है लार्ज है देख बेटा ये वाला ये बड़ा है देखो ये छोटा स्पोरेंजिया ये बड़ा स्पोरेंजिया अब जो ये लार्ज स्पोरेंजिया है इस लार्ज स्पोरेंजिया में ये थोड़े से लार्ज स्पोर बने इस लार्ज स्पोर से मेरे पास बना फीमेल गेमेटोफाइट क्या बन गया फीमेल गेमेटोफाइट बन गया देख ले बेटा फिर से समझ हमने जब पिछली साइकिल पढ़ी थी ये वाली इसमें ये गेमेटोफाइट पूर्ण रूप से फ्री लिविंग था लेकिन हम यहां पर ये देख रहे हैं कि जो बड़ा स्पोरेंजिया है इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड है तो पहली बार हेट्रोस्पोरस हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट जो कि साल्विनिया सलेजिनेला होता है उसमें पहली बार छोटे और बड़े स्पोरेंजिया बने बड़े स्पोरेंजिया में बड़ा स्पोर बना इस बड़े स्पोर से जो फीमेल गेमेटोफाइट बना वो डिपेंडेंट बना तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ ये इंपॉर्टेंट बात है फर्स्ट टाइम फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंडेंट बना है फर्स्ट टाइम फीमेल गेमेटोफाइट कैसा बना है डिपेंडेंट बना है कैसा बन गया डिपेंडेंट बन गया किसी पर डिपेंड है पहली बार सही है सर आगे चले जाते हैं आगे जब हम गए ध्यान दे बेटा आगे जब हम गए तो हमने देखा कि इसी फीमेल गेमेटोफाइट पर जो ये बना ये फीमेल गेमेटोफाइट बना मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं फीमेल गेमेटोफाइट कैसा होगा हैप्लॉइड इस पर क्या बन जाएंगे आर्की ये बन गया आर्की इसको इस मेल गैमेटोफाइट का स्पर्म यहां फर्टिलाइज करेगा एंथ्रोजॉइड पानी से आएगा तो यहां से जो एंथ्रोजॉइड आएगा कैसे आएगा सर पानी से आएगा फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए उसके बाद जो जाइगोट है वो जाइगोट यहां से निकलकर ये यह जाइगोट यहां से निकलकर इसमें मतलब वो क्या बना देगा मल्टी सेलरस बना देगा तो जाइगोट क्या होता है जाइगोट की माइटोसिस होगी हो एनसीआरटी लिखती है कि जो ये स्पोरोफाइट बनेगा ये वेरिएबल पीरियड तक रहता है ये निकल आता है ठीक है तो आपने क्या याद करना है देखो हमें एनसीआरटी पढ़नी है एनसीआरटी क्या बताती है एनसीआरटी कहती है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट पे फीमेल गैमेटोफाइट पहली बार स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लांट स्पोरोफाइट है तो कौन भी स्पोरोफाइट हुआ स्पोरेंजिया भी स्पोरोफाइट हुआ तो ये जो स्पोरेंजिया ये स्पोरोफाइट है तो पहली बार गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंड हुआ क्या ये बात समझ में आ रहा है तो जो जाइगोट अंदर बनेगा वो वेरिएबल पीरियड तक रहेगा फिर बाहर आके स्पोरोफाइट बना देगा ये हेट्रोस्पोरोस्ट्रेडोफाइट है पिछले वाले से कैसे अलग है उसमें क्या है बेटा गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है इसमें क्या है सबसे पहले तो अलग-अलग साइज के स्पोरेंजिया है फिर फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड हुआ है क्या ये समझ में आ गया जल्दी बताओ क्या ये समझ में आ गया क्या ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी बोलो जल्दी बोलो बेटा चले आगे सर कहाँ चले गए कहीं नहीं चला गया यार थक गया चले आगे चलो ठीक है आगे आ जाओ अब एनसीआरटी क्या बोलती है सुनो एनसीआरटी कहती है हेट्रोस्पोरस के सर उदाहरण क्या थे सर स्लेजिनेला था और सालविनिया था सही है सर ये दो थे एग्जांपल सालविनिया था पहली बार गेमेटोफाइट किस पे डिपेंड हुआ है बता बेटा गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट ये किसमें हुआ हेट्रोस्पोरस में जो तैयारी है प्रिकर्सर का मतलब तैयारी प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ सीड हैबिट मेरी बात समझो ध्यान से तुमने मॉक टेस्ट दिया है, नीट नहीं दिया तो मॉक टेस्ट तैयारी है नीट की ऐसे ही हेट्रोस्पोरस होना तैयारी है अगर तुमसे पूछे कि नीट दिया तो जिस दिन दोगे उसी दिन काउंट होगा ना तो आपसे पूछे टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस में सीड होता नहीं होता तैयारी है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है क्या बात प्रिकर्सर है हेटरोस्पोरस होना और क्या होना फीमेल गेमेटोफाइट का डिपेंड होना सीड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या चाहिए पहला हेट्रोस्पोरस होना दूसरा फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड है स्पोरोफाइट पर क्या यह समझ में आ रहा है फीमेल गेमेटोफाइट किस पर डिपेंड है बेटा स्पोरोफाइट पर डिपेंड है ठीक है बच्चे जितना डाउट बता पाएंगे बताएंगे ईमानदारी से ऐसा नहीं है अभी कुछ टीम और बढ़ा रहे हैं ठीक है मैंने भी रात में बताया आज भी मैं रात में टाइम निकाल के एक दो घंटे डाउट बताऊंगा जितना मैं बता पाऊंगा तो हम टीम और बढ़ा रहे हैं पर डाउट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो जितना उसमें से कर पाएंगे पूरे कोशिश करेंगे चिंता मत करो जो जेनुन डाउट होते हो बता रहे हैं आप टिश्यू इश्यू पूछते हो यार हम परेशान हो जाते हैं इन चीजों से आप पूछोगे वट इज एक्सप्लेन काउंटर करेंट मैकेनिज्म उसका तो लेक्चर देखना बेटा गलत बात है ये ना जेन डाउट पूछो मजा आएगा तुम्हें भी फिर ठीक है तो सबसे पहले होता है फीमेल गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट हेट्रोस्पोरी होना और क्या कह सकते हैं बेटा और क्या कह सकते हैं और कह सकते हैं हार्ड इंटेग्यूमेंट ये सब अगर मिलेगा ना तो सीड बन जाता है और डॉरमेंसी ऑफ एम्ब्रियो ये चारों चीजें होती हैं सीड बनाने के लिए लेकिन इसमें से सिर्फ दो हो पाती हैं टेरिडोफाइट में हेट्रोस्पोरस में इसलिए सीड नहीं बनता तैयारी होती है अगर मैं आपसे पूछू जिमनोर एनजीओ में क्या सीड बन गया था हा? तो क्या वो हेट्रोस्पोरस होते हैं यस समझो क्या वो हेट्रोस्पोरस होते हैं यस ठीक है क्लियर है शॉर्ट नोट डाल देंगे बेटा उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के शॉर्ट नोट है मेरे पास चले आगे जल्दी से बताओ चले चले जल्दी बताओ जल्दी से आगे चले क्वेश्चन देख लें एक बार आप देखो जरा क्वेश्चन भी लाया था मैं क्वेश्चन देखो जरा बाईस सर क्वेश्चन सात करा दो हां इसके बाहर से लगभग नहीं जाना चाहिए हेट्रोस्पोरस कंडीशन प्रेजेंट इन एलगी ब्रायोफाइट होमोस्पोरस होते हैं सम टेरिडोफाइट लगा दो बाईस, बताओ भाई सम टेरिडोफाइट लगा दो। जल्दी जल्दी फास्ट जल्दी जल्दी अब डिपेंडेंट स्पोरोफाइट किसमें प्रेजेंट होगा फर्न में फर्न क्या है टेरिडो है मॉस ब्रायो है ये टेरिडो है ये नहीं हो सकता डिपेंडेंट स्पोरोफाइट किसमें होगा मॉस में जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट बेटा फास्ट फास्ट हां नेक्स्ट देखो प्रोथेलसिस प्रोथेलस किसमें बनता है प्रोथेलस किसमें बन रहा है बेटा टेरिडोफाइट में होगा यस गेमेटोफाइट है यस गेमेटो Reduced and free. Reduce मतलब हैं हैं हाँ, तो है, D, all. Show, नहीं डिपेंडेंट yes. नहीं, नहीं, गेमेटोफाइट नहीं. आएगा या फर्स्ट टाइम नहीं गेमेटोफाइट आएगा फर्स्ट टाइम गेमेटोफाइट डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट तो बी आएगा सिर्फ ट्वेंटी फाइव का बी आएगा ट्वेंटी सिक्स आ जाओ वास्कुलर बंडल फर्स्ट डेवलपिंग ट्वेंटी सिक्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखें कौन करता है चैट में आंसर चाहिए मुझे ट्वेंटी सिक्स अच्छा क्वेश्चन है जल्दी बताओ चैट में आंसर जल्दी बताओ चैट में आंसर चैटे कर दो चैट में आंसर बताओ अच्छा क्वेश्चन है चैट में आंसर बताओ ट्वेंटी सिक्स का वास्कुलर बंडल सबसे पहले किसमें बने थे टेरिडोफाइट में पर टेरिडो में किसमें बने थे

कि वास्कुलर बंडल हमेशा स्पोरोफाइट स्टेज में होते हैं सही है क्योंकि टेरिडो जिम्नो एनजीओ उसमें तो मेन प्लांट बॉडी हमेशा स्पोरोफाइट होती है हाँ सर सही है जरा और क्वेश्चन देख लेते हैं स्पोरो ये स्टेटमेंट वाले ले लेते हैं आपकी आपकी डिमांड स्पोरोफिल इज डिप्लॉयड यस और नो यस सही है स्पोरोफिल डिप्लॉयड क्यों है स्पोरोट हैव कौन कौन होगा इक्विटम और स्लैजीला यस सी आएगा बेटा आएगा गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज़ फ्री लिविंग इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट सही लग रहा है सही लग रहा है गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इज़ फ्री लिविंग इन हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट ये गलत लग रहा है ये ज्यादा ठीक लग रहा है ओनली ले लेते हैं उसमें डिपेंडेंट है जिमनोसपरमैन आर हेट्रोस्पोरस सही है बट हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के अलावा एनजीओ और जिम्नो भी होते हैं स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी इन लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम क्या है टेरिडोफाइट तो ये भी सही है कि नहीं हाँ सर ये भी सही है तो क्या आ जाएगा बोथ सी तो मेरे पास 27 का आ गया सी 28 का आ गया ओनली एस इज करेक्ट 29 का आ गया सी चेक करो जरा आंसर चेक करो आंसर चेक करो जल्दी आंसर चेक करो हाँ ठीक है आगे चलते हैं जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं सुनो ध्यान से बेटा जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकिड सीड तो जरा सुनना ध्यान से सीड बनेंगे यस ओवरी है नो तो फ्रूट बनेगा फ्रूट भी नहीं बनेगा तो सीड बनेगा क्योंकि ओव्यूल होता है यस सीड नेकेड का मतलब ओवरी नहीं है फ्रूट नहीं बनेंगे इसका मतलब नेकेड सीड होता है ये चीज समझ में आ रही है हेट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म हां हेट्रोस्पोरस होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं ये ठीक है अब हम बात करते हैं सबसे पहले हैबिटाट की ठीक है हैबिटाट बेटा मतलब लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ हिली एरिया हो सकते हैं इससे ज्यादा हम नहीं बोल सकते इस पर अभी मिलते नहीं है सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनमें क्या हर्ब होते हैं एनसीआरटी कहती है नहीं इन में श्रब होते हैं मीडियम साइज के, के ट्री होते हैं और लार्ज साइज के ट्री होते हैं और लार्ज साइज के क्या होते हैं ट्री होते हैं क्या यह बात समझ में आ रही है देख लो जल्दी से अगर एग्जाम्पल की बात करो तो हमारे पास साइकस पाइनस सेड्रस सिकोया गिंको ये पांच एग्जाम्पल याद करने सिकोया मेरे पास टॉलेस ट्री है ये टॉलेस ट्री होता है बेटा यूकेलिप्टस से भी टॉल होता है साइकस और पाइनस इसको कॉनिफर्स कहते हैं कॉनीफर्स का मतलब ये इनके ऐसे प्लांट होते हैं इस तरीके के ये कॉनिफर्स होते हैं ये ठीक है गिंको ये पांच एग्जाम्पल याद करने तो इनमें हर्ब नहीं होते श्रब होते हैं मीडियम साइज के ट्री होते हैं लार्ज साइज के ट्री होते हैं किसकी बात कर रहे हैं बेटा जिम्नोस्पर्म की किसकी बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म की बच्चे हर्ब नहीं पता तुझे कौन है ये स्पैमिंग कर रहा है हमारे लिए कर ले बच्चे हमें जिनको जवाब देना है दे देंगे यार सेंसर ना लो है ना अरे हम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं भगवान की बात कर रहे हैं कुछ गिर गया क्या, क्या फोन गिर गया भगवान की बात कर रहे हैं बेटा हाँ हम सही जवाब दे देंगे उन्हें सेंसर ना लो आ जाओ जरा मेरे पास दो ट्रीज का पढ़ना है साइकस का और पाइनस का इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं अब मैं आपसे पूछ रहा हूं जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या है मेन प्लांट टेरिडोफाइट में क्या थी मेन प्लांट स्पोरोफाइट थी तो इनमें भी क्या है स्पोरोफाइट है इसका मतलब ये भी डिप्लॉयड प्लांट है सही है सर आगे आ जाओ हम बात कर रहे हैं साइकस और पाइनस की सबसे पहले साइकस की रूट टैप रूट है मान लेते हैं पर साइकस की रूट का कुछ हिस्सा ऐसे ऊपर आ जाता है इसमें क्या होता है साइनोबैक्टीरिया रहते हैं इनो बैक्टीरिया क्या करते हैं फिक्स करते हैं नाइट्रोजन उस रूट को कहते हैं कोरेलोइड रूट तो मेरे पास आपको याद रखना है सी फोर साइकस और सी फोर कोरेलोइड रूट ये रही इसे कोरेलोइड रूट कहते हैं जिसमें बैक्टीरिया रहता है कुछ यहां पर भी टैप रूट है पर इस टैप रूट के पास में कुछ फंजाई रहती है तो टैप रूट के साथ मेरे पास क्या होता है फंजाई फंजाई क्या बनाती है माइको रीज़ा बनाती है क्या समझ में आ रहा है बताओ अब बात करते हैं स्टेम की अब किसकी बात करते हैं स्टेम की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं स्टेम की बात करते हैं स्टेम इसमें ब्रांच स्टेम होती है ये क्वेश्चन आया हुआ है पाइनस और सेड्रस में अनब्रांच स्टेम था यहां ब्रांच स्टेम है क्वेश्चन में पूछा था रॉन्ग तो यहां पे ब्रांच स्टेम होती है यहां स्टेम अगर आप देखोगे अनब्रांच है कैसी स्टैम है अनब्रांच है लीफ इसकी लीफ अगर देखोगे मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ाया जाता है कैसी है पाइनेट कंपाउंड कैसी लीफ है पाइनेट कंपाउंड लीफ है ठीक है इसकी जो लीफ है इसकी इसकी निडल शेप है कैसी है निडल शेप और उसमें कुछ अडेप्टेशन होती है जैसे क्यूटिकल होगा सनकन स्टोमेटा ताकि क्या बचा सके विंड और टेम्परेचर से प्रोटेक्शन देगा मतलब पानी बचाएगा एक तरीके से तो कुछ डेजर्ट प्लांट जैसी होती है क्या क्यूटिकल होता है सनकंस्ट्रोमेटा होता है तो कंपेरिजन याद करना है साइकस में कोरेलोइड रूट होती है पाइनस में माइकोरिजा अनब्रांस ब्रांसटेम है इसकी लीफ पाइनेट कंपाउंड है इसकी लीफ निडल शेप है क्यूटिकल और सनकोमेटा इसमें अडेप्टेशन है अब आपको ध्यान रखना है बेटा मेरे पास क्या होता है एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे ध्यान दे बच्चे ये एक स्ट्रक्चर है इस पर ये लीफ है एक ये स्ट्रक्चर है इस पर ये लीफ है अब ये इस पर स्पोरेंजिया लगे हुए ऐसे ये क्या लगे हुए स्पोरेंजिया इस पर भी स्पोरेंजिया लगे हुए इस वाले कोन को कहते हैं फीमेल कोन थोड़ा बड़ा कोन है ये क्या है फीमेल कोन है इसमें इस, इस लीफ को कहते हैं मेगा मेगा मतलब बड़ा स्पोरोफिल मतलब कोन वाली लीफ स्पोरेंजिया वाली ये मेगा स्पोरेंजियम है इसको कहते हैं मेल कोन इसमें ये माइक्रोस्पोरोफिल है और ये क्या है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है अब मैं जो बात आपको बोलने जा रहा हूं ध्यान से सुनना सर खिचड़ी बन गए सुन ध्यान से पाइनस में मेल और फीमेल कौन एक ही ट्री पर होता है जैसे मेल और फीमेल फ्लावर एक ही ट्री पर होता है किसकी बात कर रहे हैं कोकोनट की या मेज की पाइनस वैसा प्लांट है साइकस में क्या होता है एक ट्री पर मेल कौन होते हैं मतलब मेल कौन एक ट्री पर होंगे और फीमेल कौन नहीं होता फीमेल कौन होता ही नहीं है उसकी जगह एक लीफ होती है मेगा क्या आपको समझ में आया वट इज मेल और फीमेल कौन हमें यह समझना है कि स्लैजिनेला में एक ही कोन पर हमने छोटे और बड़े स्पोरेंजिया बनाए थे पाइनस साइकस जिम्नोस्पर में कोन अलग अलग होते हैं कोन अलग अलग होते हैं मतलब एक पे छोटे स्पोरेंजिया एक पे बड़ा स्पोरेंजिया छोटे स्पोरेंजिया वाली लीफ माइक्रोस्पोरोफिल बड़े वाली मेगा स्पोरोफिल मैं ये कह रहा हूं कि पाइनस के एक ही ट्री पर इसी ट्री पर मेल और फीमेल कोन दोनों प्रेजेंट होते हैं साइकस में एक ट्री पर होते हैं मेल कोन दूसरे ट्री पर फीमेल कौन नहीं है उसकी जगह लीफ होती है मेगा स्पोरोफिल क्या इतनी बात कर सकते हो बताओ बेटा क्या इतनी बात समझ में आ रही है जल्दी बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है हां जीटनो गैमी होगी भाई सांबास क्या इतनी बात समझ में आ रही है आप जरा देखो कैसे काम चलता है इसमें आगे देखते हैं जैसे हमने ये बता दिया मेल कौन ठीक है सर जे हमारे पास मेल कौन है तो ये क्या बोलोगे इसको माइक्रोस्पोरोफिल ठीक है ये माइक्रोस्पोरोफिल ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया छोटे स्पोरेंजिया ये रे अब इसके अंदर क्या बनेंगे ये ये माइक्रोस्पोर है बेटा देख हो? ये रहे हो माइक्रोस्पोर ये रे ये क्या है माइक्रोस्पोर है ये क्या है माइक्रोस्पोरेंजिया आ रहा समझ अब मुझे बताओ माइक्रोस्पोर एनजे टू एन है माइक्रोस्पोर एन हो गए अब इस माइक्रोस्पोर से इसी के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे वट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है पॉलन ग्रेन भी हेप्लॉइड है माइक्रोस्पोर में एक सेल होता है पोलन ग्रेन में मैनी सेल होते हैं इसलिए पॉलन ग्रेन को मेल गेमेटोफाइट कहते हैं याद करो भाई इसलिए पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट यहां अंदर ही होता है मैं रिपीट कर रहा हूं यह क्या है सर यह माइक्रोस्पोरेंजिया यह क्या है माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर से अंदर ही यहां पर पॉलन ग्रेन बन जाते पॉलन ग्रेन मेल क्योंकि वो माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से बनते हैं क्या इतनी चीज समझ में आ गई तो सबसे पहले समझो ट्री ट्री डिप्लॉइड है स्पोरोफाइट है उस पर बनेगा मेल कोन मेल मेलकोन है कि डिप्लॉइड है सर डिप्लॉयड है मेल कौन पे बनेगा स्पोरेंजिया स्पोरेंजिया पे बनेंगे स्पोर इस स्पोर की माइटोसिस से पॉलन ग्रेन बनेंगे सही है सर पॉलन ग्रेन इज गेमेट सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर सर मल्टी सेलुलर वट इज डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोजॉइड एंड पॉलन ग्रेन सिमिलेरिटीज बोथ आर गैमेटोफाइट तो यहां पर मेल गेमेटोफाइट भी डिपेंडेंट होता है पिछले वाले हेट्रोस्पोरस में मेल गेमेटोफाइट फ्री लिविंग था अब यहां देखो दिस इज फीमेल कौन दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम व्हाट इज माइक्रोस्पो सॉरी मेगा स्पोरेंजियम वट इज मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा मेगा स्पोरेंजियम रहा मेगा स्पोरेंजियम इसी को ओव्यूल कहते हैं इसी को क्या कहते हैं ओव्यूल और ये जो लीफ है इसको मेगा स्पोरोफिल कह रहे हैं आर यह बात समझ पाइनस में मेल और फीमेल कोन एक ही ट्री पर मिलता है साइकस में एक ट्री पर मेल कोन दूसरे पे मेगा मेल कोन के माइक्रोस्पोरेंजिया में म्योसिस से माइक्रोस्पोर बनते हैं हर एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन गेन बनाता है जो गैमेट नहीं है क्योंकि माइक्रोस्पोर की माइटोसिस से तो गैमेटोफाइट बनते हैं मेल गैमेटोफाइट है ऐसे ही मेरे पास ये माइक्रोस्पोरेंजियम है इसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट और ये हमारे पास क्या है न्यूसिलस क्लियर है ये हमारे पास क्या है न्यूसिलस क्लियर है ये क्या है हमारे पास न्यूसिलस यहां तक कोई डाउट है लास्ट के टेन मिनट्स ठीक है बेटा बस खत्म कर रहे हैं हो गया आ जाओ देखो ध्यान से देखना दिस इज फीमेल कोन ठीक है सर फीमेल कोन में ये क्या है ओव्यूल ओव्यूल का एक और नाम क्या था मेगा सही है सर ध्यान से सुनना ठीक है इसके अंदर इस ओव्यूल के अंदर इस लेयर को इंटेग्यूमेंट बोला जो सीड कोड बनाएगा यहां एक टिश्यू है जिसे न्यूसिलस कहते हैं डिप्लॉइड और ये मेरे पास इंटेग्यूमेंट हो गया ये पूरा अब जरा समझना ध्यान से फीमेल कोन पर ऐसे काफी सारे मेगा स्पोरेंजियम होते हैं हर एक मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ये टिश्यू है जिसे न्यूसेलस कहते हैं इनमें से किसी एक सेल की एनी वन सेल की मियोसिस होगी मियोसिस से क्या बनेगा उससे हमारे पास चार मेगा स्पोर बनेंगे क्या बनेगा चार मेगा स्पोर बनेंगे क्लियर है क्या बनेगा चार मेगा स्पोर बनेंगे हमारे पास वन टू थ्री और फोर चार मेगा स्पोर बनेंगे ये जो चार मेगा स्पोर बने इसमें देखो ये एक दो तीन चार आपको पता है किसी एक सेल इसकी मियोसिस करूंगा तो कितने मेगा स्पोर बनेंगे चार उसमें से तीन ये खराब हो गए एक डेवलप करेगा मेगा स्पोर कैसा होता है, है तो जो चार मेगा स्पोर बने जो हैप्लॉयड है उनमें से तीन खराब हो जाएंगे एक ही फंक्शनल होगा इस फंक्शनल फंक्शनलोर से ये फीमेल बनेगा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे यहां कंफ्यूजन होती है मैं आपसे ये ये कह रहा हूं कि ये एक तरीके से ओव्यूल है देखो ये ओव्यूल है ओव्यूल के अंदर एक सेल्स से है जिन्हें न्यूसल कह रहे हैं उनमें से किसी एक सेल की मियोसिस से चार मेगा स्पोर बन गए उनमें से तीन खराब हो गए एक फंक्शनल मेगा स्पोर है फंक्शनल मेगा स्पोर का मतलब हैप्लोइड ये वाला फंक्शनल है यह वाला इस फंक्शनल मेगा स्पोर से यह फीमेल गेमेटोफाइट बना रहे हैं तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेगा स्पोर सेल गेमेटोफाइट क्या है मल्टी सेलूलर अब इसके ऊपर दो या मोर आर्कीगोनियम बनते हैं तो इसका मतलब दिस इज ओव्यूल 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 कैसा होता है डिप्लॉयड होता है उसके अंदर न्यूसिलस कैसा होता है डिप्लॉयड होता है स के एक सेल की मियोसिस से चार मेगा स्पोर बने तीन खराब हो गए ये फंक्शनल है फंक्शनल वाले ने बनाया फीमेल फीमेलोफाइट उस पर बने दो या दो से ज्यादा फिर क्या होगा बेटा की ग्रेन आएगा ऐसे और वो पोलन ट्यूब से फर्टिलाइज कर देगा तो मेरे पास क्या होगा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है मेगा स्पोरजियम यह कन्वर्ट हो जाएगा सीड में और ये जाइगोड से क्या बन गया है एम्ब्रियो

यह हैप्लॉइड फंक्शनल मेगास्पोर है इससे बना है फीमेल गैमेटोफाइट उस पे दो या दो से ज्यादा आर्किगोनियम फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा जाइगोट क्या करेगा एम्ब्रियो देगा ये रहा इस पूरे स्ट्रक्चर से सीड बनेगा और जो एंडोस्पर्म बना है वो हैप्लॉइड है किससे बना है फीमेल गैमेटोफाइट से क्या यहां डबल फर्टिलाइजेशन हुई है नहीं यहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई आ रहा है समझ यहां डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई <coughs> एंडोस्पर्म किससे बना है फीमेल गैमेटोफाइट से एंजियोस्पर्म में किससे बनता था ट्रिपल फ्यूजन से बनता था आ रही है कुछ समझ जल्दी बताओ आ रही है समझ अब मैं आपसे पूछता हूं चार मेगा स्पोर में से एक का डेवलप होना क्या कहलाता है सर हमने नहीं पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट में मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट

और फीमेल गैमेटोफाइट से क्या बना एंडोस्पर्म ये समझ में आ रहा है जल्दी बोलो तो क्या पॉलन ट्यूब जिम्नो और एनजीओ दोनों में बनती है यस सर एंडोस्पर्म दोनों में बनता है यस सर जिम्नो में डबल फर्टिलाइजेशन होती है नो सर जिम्नो में एंडोस्पर्म कब बनता है एंडोस्पर्म क्या डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है? नहीं इसमें एंडोस्पर्म क्या बन रहा है डायरेक्टली गेमेटोफाइट से बन रहा है आ रही है समझ जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट आ जाओ आगे आ जाओ अब जरा ये क्वेश्चंस करो क्वेश्चन नंबर थर्टी देखें जरा आपको कितना याद हुआ साथ के साथ पाइनस और सेड्रस दोनों कॉनिफर्स हैं उनमें क्या होगा बताओ जरा बताओ क्वेश्चन नंबर थर्टी बताओ खत्म कर रहे हैं बस क्वेश्चन नंबर थर्टी जल्दी जल्दी अरे क्वेश्चन तो करो क्वेश्चन नहीं करोगे सर छोड़ दे क्वेश्चन करे कौन करेगा क्वेश्चन कौन करेगा नीट में क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट को अप्लाई तो करेगा हाँ कर जल्दी जल्दी से आंसर लिखो चैट में हाँ चैट में आंसर लिखो पाइनस डी आएगा निडल शेप लीफ होती है ये नहीं होगी और रिलोइ रूट सी फॉर साइकस साइकस नॉट हैव क्या नहीं होगा मेल कौन होते हैं साइकस में यस yes, हो जाएगा मेगा स्पोर होंगे हाँ मेगा स्पोर बनते हैं फीमेल कोन नहीं होता साइकस में कोरेलोइड रूट तो होगी थर्टी वन जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस होंगे नहीं हेट्रोस्पोरस हेप्लोडिटिक नहीं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है जिम्नो और एनजीओ की क्या होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कोन विद स्पाइरल लीफ हाँ ये चीज याद रखनी है कि इनके कोन में जो लीफ होती है वो स्पाइरल होती है इसलिए कौन गोल दिखते हैं और जाइगोटिक ये एलगी में होती है तो आंसर क्या आएगा सी थर्टी टू का सी करो जल्दी से चैट में आंसर बताओ थर्टी वन का सी कौन बोल रहा है हाँ ठीक है थर्टी टू का भी सी हो गया थर्टी थ्री एंडोस्परम डेवलप इन जिम्नोस्पर्म कैसे डेवलप करेगा बताओ भाई थर्टी थ्री बताओ थर्टी थ्री एक लिख रहा हमको कुछ नहीं आता तो यहां क्या कर रहे हो बेटा है ना भैंस चराओ जाके थर्टी थ्री डेवलपिंग जिम्नोस्पर्म फ्रॉम मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम फीमेल फीमेलोफाइट यहां से आएगा बी आएगा थर्टी थ्री का बी थर्टी फोर डबल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होगी जल्दी करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन किसमें नहीं होगी थर्टी फोर नीम एनजीओ है चाइना रोज एनजीओ है पी एनजीओ ये जिम्नो है डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में एबसेंट होती है आगे देखो

जिम्नो में सीड होते हैं फ्रूट नहीं होते सी आएगा यहां भी थर्टी सेवन करो कॉरेलॉइड रूट फिक्स एन टू बाई राइजोबियम कॉरेलॉइड रूट में साइनो बैक्टीरिया होते हैं भाई राइजोबियम नहीं होता राइजोबियम साइनो बैक्टीरिया नहीं है बिना ना नोस्टोक होगा यह गलत हो गया पाइनस है माइकोरिजा ओनली एस टू इज करेक्ट जल्दी बताओ जल्दी जल्दी फास्ट आगे और देख लेते हैं सर लाइफ साइकिल हैप्लोंटिक एग्जाम्पल बताएंगे हेपलॉन्टिक एग्जाम्पल एलगी डोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट ये पढ़ा चुका हूं लाइफ साइकिल अभी जस्ट हाईली रिड्यूस स्पोरोफाइट जो जाइगोट हैप्लोडिप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल कैल्प एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया सर याद हो गया ये तो प्यूकस डिप्लोन्टिक सर ये याद हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट में डोमिनेंट स्टेज गेमेटोफाइट है और यहां डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट है ये फर्क होता है पर दोनों में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों मल्टीसेलुलर होती है डिप्लॉन्टिक में डोमिनेंट स्टेज क्या होगी बताओ जल्दी से डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट और रिड्यूस स्टेज क्या होगी गेमेटोफाइट ये रिड्यूस का क्या मतलब होता है लेस नंबर ऑफ सेल्स लेस नंबर ऑफ सेल्स तो यहां से आपने एक बात सीखी कि एलगी में हाईली कौन है स्पोरोफाइट है कम सेल्स लेकिन जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है उसमें गेमेटोफाइट में बहुत कम सेल्स है अगर कम सेल्स वाले क्वेश्चन आते तो आप क्या बनाओगे गेमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स किसमें मिलेंगे जिनकी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है तो क्या आंसर आएगा सर डी ले लेते हैं स्पोरोफाइट जिसमें सबसे कम सेल्स होंगे लाइफ साइकिल हेपलॉन्टिक चाहिए क्योंकि उसी में जाइगोट से ज्यादा सेल्स नहीं बनते क्या लोगे स्पाइरो एक्टोकार्पस कैल्प क्या लोगे ये बेटा दोनों हेप्लो एलगी चाहिए आपको एलगी स्पाइरो आएगा चेक कर लो आंसर चेक करो चेक करो सोचो अगर तुमसे पूछा जाए स्पोरोफाइट में सबसे कम सेल्स किसमें है तुम कहोगे एलगी एलगी भी कौन सी ये तो है आ रहा है समझ और गेमेटोफाइट में सबसे कम सेल्स किसमें होंगे जो जिम्नो और एनजीओ में पॉलन गेंड में तो तीन सेल होते हैं आ गया देखो दो तीन क्वेश्चन करने का और मन कर रहा है ऑल सीड बियरिंग सीड बियरिंग मतलब जिम्नो और एनजीओ डिप्लॉन्टिक है, सही है और डिप्लॉन्टिक बियर वास्कुलर बंडल जिम्नो एनजीओ में वास्कुलर बंडल होते हैं सही है आ जाओ सी आर्कीगोनियम प्रेजेंट इन ब्रायो टेरिडो जिम्नो आर्कीगोनियम इन तीनों ग्रुप में होता है सही है इन एनजीओ एम्ब्रियो सैक जो है फीमेल गेमेटोफाइट का नाम है सही है बेटा ये भी सही है का नहीं करा रहा हूं क्योंकि रीजन क्या है वो हम अलग से पढ़ते हैं उसमें रिप्रोडक्शन में ठीक है, का ही नाम है. में दोनों फ्री लिविंग होते हैं सही है डिपेंडेंट गेमेटोफाइट प्रेजेंट इन नीम क्या एनजीओ अब आपको समझना पड़ेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में गेमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है ये भी सही है इसमें भी सी आएगा सर क्वेश्चन आ रहे हैं समझ बेटा हमने क्वेश्चन भी कर लिए लगभग फोर्टी फाइव के आसपास ज्यादा कर लिए बल्कि जू स्पोर विद एपिकल फ्लैजिला सर एपिकल ग्रीन एलगी चाहिए कहां है ग्रीन एलगी ये री फोर्टी फोर पायरी फॉर्म मतलब पियर शेप जू स्पोर किसमें होगा सर ब्राउन एलगी चाहिए तो ब्राउन कैल्प और फ्यूकस दोनों हैं डोमिनेंट स्टेज इज गेमेटोफाइट एलगी ब्रायो जिम्नो साइकस जिम्नो टेरिस टेरिडो ब्रायो डी आएगा अब एक एक आगे आ चल लग सकूद इसका मतलब हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए लगभग फोर्टी फाइव फिफ्टी क्वेश्चन के आसपास किए कॉन्सेप्ट पढ़ लिया जिनो जो लेक्चर दोबारा देखना चाहे देख सकते हैं इतने टाइम में आप कर सकते हो रिवाइज ठीक है इसका कोई असाइनमेंट वर्कशीट वगैरह आपको मैं भेज दूंगा मैंने भेजी है उसको रिवाइज कर लेना ठीक है खत्म हो गई क्लास अब क्या होगी ठीक है आज तुम्हारा वो आएगा थर्मोडाइनमिक हाँ मौज कर दो सर बिल्कुल ठीक है एलेवंथ के लिए देखते हैं बेटा अभी ट्वेल्थ का कर दिया हमने बैच लॉन्च ठीक है मिले बाद में ध्यान रखो सारे पढ़ाई करो यार हो ना चलिए मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास सात बजे से चलिए बाय